वह तो वैकुंठ में भी नहीं है। कबीरदास जी रोने लगे, यहाँ जो पृथ्वी पर जो सत्संग की धारा, सत्संग की गंगा जो बह रही है, ये वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। हम लोगों ने कल चरित्र सुना श्री पृथ्वी जी महाराज का, जिनके चरित्र में वर्णन आता है साक्षात भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होने के बाद, भगवान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने भगवान से भी क्या इच्छा की, प्रभो विधत्स करणा युत मेष मे वरा, मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर दो कि मैं आपका सत्संग, आपका कथा, आपका कीर्तन सुनते सुनते कभी तृप्त ही ना हूं। सत्संग वो वस्तु है जो भगवान में भी वो सुख नहीं है, भगवान में भी वो आनंद नहीं है जो सत्संग में है। तो बड़ी कृपा हुई श्री प्रभु की, जो ऐसी आनंददायी वस्तु हम लोगों को श्री प्रभु ने प्रदान की। आज श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ दिवस है, आज हम लोग भगवान श्री राम भगवान का जन्मोत्सव और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे। उससे पहले जो भी श्रीमद् भागवत जी के और भी प्रसंग हैं उनका श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी में श्री जय भरत जी महाराज का चरित्र और राजा रघुगण का जय भरत जी महाराज के द्वारा उनके उपदेश से कल्याण हुआ। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने भूगोल खगोल भवाटवी का स्पष्टीकरण किया है और नरकों की विविध गतियों का वर्णन किया गया है भागवत जी में। नरकों में शास्त्र के अनुसार नरकों की कुल 28 गणना बताई है, नरक 28 बताए हैं। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया है कि किसको कौन सा पाप कर्म करने के बाद कौन से नरक में जाना पड़ता है, इसका हम लोग संक्षिप्त श्रवण करेंगे। 28 नरक बताए हैं, इसमें सबसे पहला नरक जो है इसका लक्षण बताया है कि कौन कौन से पाप करने के बाद जीव को कौन कौन से नरकों की प्राप्ति होती है। जो जीव, जो पुरुष, जो व्यक्ति इस संसार में स्त्री, धन, किसी की संतान, किसी के धन का जो हरण करता है, उसे यमदूत तामिश्र नाम के नरक में ले जाते हैं और वहाँ उसकी भयानक उसको पीड़ा देते हैं और बहुत डंडों से उसकी मार लगाते हैं, अन्न जल नहीं देते, उसको बड़ा कष्ट वहाँ होता है, मूर्छित होकर एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ जाता है। 28 नरकों का वर्णन किया है, कुछ मुख्य नरकों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। जो जीव इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जो दूसरे जीवों को, पशुओं को सताता है, उसे यमदूत रुरु नाम के नरक में ले जाते हैं और इसका नाम रौरव भी है। वहाँ उस जीव को सर्प आदि बहुत क्रूर स्वभाव वाले जीव उसको सताते हैं। जो मनुष्य इस संसार में अपना पेट पालने के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए जीवों को मारते हैं, जीवों को खाते हैं, जैसा कि यहाँ आजकल तो पूरे विश्व भर में ऐसा बहुत हो रहा है, अभी तो पाप इतनी जल्दी बढ़ रहा है, लोगों को भगवत प्राप्ति ना होकर नरक की प्राप्ति होती है। तो यह स्पष्ट लिख दिया है भागवत जी में कि जो अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो जीवों को मारते हैं, जीवों को खाते हैं, पशु की हिंसा करते हैं, पशु जीवों की हिंसा करते हैं, उसको यमदूत उसके मरने पर इस लोक से यमदूत जब ले जाते हैं कुंभी पाक नामक नरक में, वहाँ उस जीव को जिसने इस मनुष्य में जीवों को मारा है, पशुओं को मारा है, पक्षियों को मार के खाया है, उसको यमदूत कुंभी पाक नामक नरक में ले जाके वहाँ बड़े से तेल के कढ़ाई में, गरम तेल के कढ़ाई में, वहाँ उसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं। और उसको जिस प्रकार यहाँ जीव
और जीवों को मार के, पशु पक्षियों को मार के जब पका के खाता है, उसी प्रकार उसको भी वहाँ यमदूत दंड देते हैं। इस प्रकार 28 नरकों का वर्णन किया है, बड़ी भीषण भीषण यातनाओं का श्री सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंद में वर्णन किया है। आगे छठवें स्कंद में परीक्षित जी ने जब इन भीषण नरक की यातनाओं को श्रवण किया, तो नरक की यातना सुन के, नरक की भीषण यातना सुन के परीक्षित जी महाराज थोड़े डर गए। इतने भयानक भयानक नरक कि आदमी को जीते जी तेल के कढ़ाई में डाला जाता है। यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी से जिज्ञासा की है, प्रभु यदि इन नरकों से कोई बचना चाहे तो उसको कौन सा पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे वो बच जाए, उसको इतने भयानक नरक न भोगने पड़े। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने एक सीधा सा उपाय बता दिया, भैया नरक से बचना चाहते हो तो पाप कर्म मत करो, पाप कर्म नहीं करोगे तो नरक की प्राप्ति नहीं होगी, सीधा सा उपाय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु आप परीक्षित जी ने पूछा है कि हर जीव जानता है कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से नरक यातना मिलेगी, कष्ट मिलेगा, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तो जीव पाप कर लेता है। जीव को पता है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को पता है कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए, नहीं उनका भक्षण करना चाहिए, नहीं उनको सताना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी तो वो करता है, ऐसा क्यों है? तो यार परीक्षित जी महाराज का उत्तर श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर गीता जी में कहा है कि जो पाप कराता है ये हमारी कामनाएं वासनाएं ही पाप कराती हैं। गीता जी में बड़ा सुंदर भगवान ने कहा है, अथ के न प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न पिवाश्रय बलादिक नियोजिता। अर्जुन ने पूछा प्रभु से, प्रभु ऐसी कौन सी शक्ति है जो जीव को जानते बूझते हुए भी पाप करा देती है? जीव को सब पता है पाप नहीं करना चाहिए, कह रहे अनिच्छन्नपि, पहले ही भगवान ने पहले ही शब्द में उत्तर दे दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धे नमीय वैरणम। हमारी कामना हमारी वासनाएं हमसे पाप कराती है, यदि कामना वासना ना हो तो पाप हो ही ना। छठवें स्कंद में कामना को वासना की माँ कहा है, यानी वासना को पाप की माँ कहा है। वासना जगेगी तो ही कामना आएगी, तो पाप कहाँ से पैदा होता है? कामना। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और आपको वो वस्तु चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आदमी सोचेगा भाई ये वस्तु है नहीं और आपके पास उसको खरीदने की सामर्थ्य भी नहीं है, तो आदमी सोचेगा चलो भाई भले चोरी करना पड़े, चोरी करना बड़ी पाप है, लेकिन मन में कामना आई तो उस कामना ने आपसे चोरी करा ही दी, पाप करा ही दिया। तो पाप का मूल कारण है हमारी कामना है, वासना है, ये पाप की जननी है, माँ है, यही पाप कराती है, तो पाप हो जाता है। तो परीक्षित जी ने कहा है, प्रभु तो जीव से किसी ना किसी प्रकार पाप हो ही जाता है, तो ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे फिर से जीव पार हो सके, उसका कल्याण हो सके? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो परीक्षित पाप हो तो जाता है, लेकिन इसका एक उपाय यही है कि मरने से पहले प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित करने से, उसका पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। और प्रायश्चित वेदों में तीन प्रकार के बताए गए हैं, कौन कौन से प्रायश्चित होते हैं। एक सबसे पहला प्रायश्चित है उपासना कांडगत प्रायश्चित, ज्ञान कांडगत और कर्म कांडगत। उपासना कांडगत को आप भक्ति कांडगत भी कह सकते हैं। आप समझे कि कर्म कांड का जो प्रायश्चित है ये एक तरफ तो चित्त की शुद्धि करता है, शरीर की शुद्धि करता है, लेकिन दूसरी तरफ यह गंदा भी कर देता है। एक तरफ आप कर्मकांड से पापों को मिटाएंगे, फिर से पाप करेंगे तो वो फिर से चढ़ते चलेंगे, तो उस प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा जो प्रायश्चित है वो है ज्ञान कांडगत। ज्ञान कांडगत प्रायश्चित ये थोड़ा कठिन है, इसमें 9 साधन बताए हैं,
तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च गमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च नौ प्रकार की तपस्या बताई है। तपसा ब्रह्मचर्य, शम शम माने मन की शांति, दम माने इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को रोकना, त्याग सत्य पवित्रता यम नियम, ये नौ प्राश्चित के अंग हैं। लेकिन तपस्या भी भगवान ने श्री गीता जी में तीन प्रकार की बताई है, शारीरिक वाचिक और मानसिक। शरीर से की जाने वाली तपस्या, मन से की जाने वाली तपस्या और वाचिक यानी वाणी से की जाने वाली तपस्या। शरीर से की जाने वाली तपस्या क्या है कि जो बड़े आए हैं, सम्माननीय व्यक्ति आए हैं, पूजनीय व्यक्ति आए हैं, उनको देखकर खड़े होना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, ये शारीरिक तप है। वाचिक तप है किसी से कड़वा ना बोलना, ऊंचा ना बोलना। और मानसिक तप है कि किसी को देखकर, किसी की बढ़ोतरी देखकर, उसकी सम्मान को देखकर चहेना, मन में द्वेष ना हो, ये मानसिक तपस्या है। तो भैया ने तीन प्रकार की तपस्या बताई है, लेकिन हम लोग पहली ही तपस्या में फेल हो जाते हैं। कहाँ कौन अपने शरीर से तप कर पाता है? अनुद्वेगकारी, अगर मान लो आपसे किसी ने बहुत ऊंचा बोला तो आप भी सोचेंगे अरे इसने, इसको ये नहीं पता हम कौन है, आप उससे भी ऊंचा बोलेंगे, तो ना वाणी की तपस्या हो पाई, ना वाचिक मानसिक। आप किसी की बढ़ोतरी देखकर मन में द्वेष आ ही जाता है कि अरे इसकी उन्नति कैसे हो रही है, तो पहले ही सीढ़ी में हम लोग फेल हो जाते हैं। तो भैया और आगे के साधन कैसे हो पाएंगे? पहली तपस्या, पहला साधन क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। तो हम तपस्या ही नहीं कर पाते तो आगे के आठ अंग कैसे कर लेंगे? तो इसलिए परीक्षित जी महाराज जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे शुकदेव जी, ये कलयुग के जीवों के लिए बहुत कठिन है, कलयुगी जीव इसको नहीं कर सकते, ये प्राश्चित नहीं कर सकते, आप कोई सरल सा प्राश्चित का साधन बताएं। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यह वर्णन किया है कि चलो उपासना कांड अगर प्राश्चित में आए, केचित केवल या भक्त्या, बोले प्रभु की भक्ति करो, फिर प्रभु की भक्ति करोगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये भी बड़ा कठिन है जीव के लिए, कहाँ कोई प्रभु की भक्ति कर पाता है? भगवान की भक्ति कोई हंसी खेल थोड़ी है कि सुबह आरती घुमा दी, शाम को आरती घुमा दी, ये भक्ति है? नहीं, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। भगवत भक्ति भी बड़ी कठिन है, आप और कोई सरल मार्ग बताएं, क्योंकि कलयुगी जीव भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने इतना सरल साधन बता दिया, बोले भगवत भक्ति नहीं कर सकते हो तो तत्पुरुष निश्चय है, भगवान की भक्ति नहीं होती है तो भगवान के भक्तों की भक्ति कर लो, यदि ये भी भक्ति नहीं हुई तो जीव के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, फिर जीव का कल्याण उद्धार हो ही नहीं सकता। भगवत भक्ति नहीं होती है, कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हो, उनके भक्तों की भक्ति करो, और वो भक्तों की भक्ति श्री प्रभु की भक्ति से भी बड़ी होगी, तो यह मार्ग और भी आसान हो जाएगा। भक्तों की शरणागति ग्रहण करो, उनकी शरण में जाओ, तत्पुरुष निश्चय। बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी ने भक्तों की भक्ति को सर्वोच्च कहा है, क्योंकि भक्तों की भक्ति जो है, कबरा यह तन जात है, सके तो ठोर लगाए, कह सेवा कर साधु की, कह हरि की गुण गाए। ये शरीर जा रहा है या तो भक्ति में, भगवान की भक्ति में शरीर को लगा दो, नहीं तो भगवान के भक्तों की भक्ति में शरीर को लगा दो। तो ये दोनों ही चीज श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु क्या भक्तों की भक्ति से उद्धार हो सकता है? भगवान की भक्ति से तो कल्याण उद्धार देखा गया है, भक्तों की भक्ति से उद्धार हो सकता है क्या? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के इस प्रश्न पर अजामिलोपाख्यान का श्री परीक्षित जी को श्रवण कराया है। अजामिल के जीवन चरित्र में ये बड़ा पापी हुआ है अजामिल, लेकिन भक्तों की जब कृपा हुई इसके ऊपर तो भक्तों की भक्ति से इसका उद्धार हुआ है। अजामिल दासी पति था, बड़ा
कर्मकांडी ब्राह्मण था, खूब यज्ञ किया करता था, बड़ा सदाचारी ब्राह्मण। लेकिन एक दिन जंगल में यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया, वहाँ इसने कुछ गलत दृश्य देख लिया कि एक वैश्या के साथ एक निर्लज्ज शूद्र गलत कार्य कर रहा है। तो उस गलत दृश्य को देखने से अजामिल के जो अच्छे संस्कार थे वो तो सो गए और जो गलत संस्कार थे वो जागृत हुए हैं। और अजामिल के एक बार के गलत दर्शन से, जो दिन रात यज्ञ हवन किया करता था, सदाचारी ब्राह्मण था, एक बार के गलत दर्शन से ऐसा उसका विनाश हुआ है कि उसने अपनी सती स्त्री को भी छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी वेश्या का संग करने लगा। तो देखो हमारे जीवन में ये इंद्रियां जो है, इंद्रियों के आहार का बड़ा जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा जैसा अजामिल के चरित्र में देखने में आया, केवल एक बार गलत दर्शन किया था, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, श्री गुसाई जी ने कहा है कि हमारी तुम्हारी जो इंद्रियां है ये इंद्रियों के दरवाजे हैं। जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों के दरवाजे हैं। यदि एक बार भी ये भूल से खुले रह गए, इन्होंने गलत दर्शन कर लिया, गलत चीज को सुन लिया, गलत चीज को खा लिया। अजामिल ने केवल एक बार गलत दर्शन किया था, उससे उसका पूरा जीवन जो सत्कर्मों में जो जीवन जाता था वो उसका पापों में जाने लगा एक बार के गलत दर्शन से। तो इसलिए प्रयास करें कि अपनी हर इंद्रिय से शुद्ध आहार, अच्छी चीज ग्रहण करें, नहीं तो कब जीवन नरक की ओर चला जाए, कब अंधकार की ओर चला जाए, केवल एक बार के गलत दर्शन, एक बार के गलत चीज को ग्रहण करने से। इंद्रिय द्वारा झलोखा नाना, केवल अपनी इंद्रियां, अब ये नहीं कि आँख है तो आँख को फोड़ दिया जाए, नहीं, इनसे अच्छी चीज़ों का ग्रहण करो। नेत्रों से दर्शन किया जाए तो भगवत दर्शन किया जाए, गलत चीज़ों को ना देखा जाए। कान से श्रवण किया जाए तो भगवत कथा को श्रवण करो, सत्संग को सुनो। मुंह से कुछ बोला जाए तो भगवत कीर्तन बोला जाए। तो इसलिए जीवन में हमारे गलत दृश्य को देखने का, सुनने का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अजामिल ने एक बार गलत दर्शन किया, सती स्त्री को छोड़ छाड़ के उसकी वेश्या का संग करने लगा, माँ बाप को भी छोड़ दिया, वृद्ध माँ बाप को, वेश्या के साथ रहने लगा, लूटपाट करने लगा, हिंसा आदि करने लगा, गलत कार्य करने लगा। लेकिन भैया जब संतों की कृपा होती है तो कितना पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाता है। अजामिल के ऊपर भगवत कृपा हुई है, लेकिन अजामिल केवल एक बार गलत दर्शन किया। लेकिन भैया हम लोग सोचते हैं कि संसार में ही सबसे अच्छी वस्तु है देखने वाली, संसार में ही सब सुख है, संसार की ही वस्तु सुनने में अच्छी लगती है, संसार ही देखने में अच्छा लगता है, हर इंद्रिय से हमें संसार ही अच्छा लगता है। अरे एक बार ये तो देखो कि भगवान में कोई गुण कम थोड़ी है। अरे सुने जाए तो उनके गुण सुने जाए, भगवान का कोई दर्शन, ठाकुर जी का ऐसा दर्शन है, ऐसा रूप है कि आदमी संसार को, अगर ठाकुर जी का यदि दर्शन हो जाए, सच्ची भावना से यदि कोई दर्शन करे तो संसार को भी भूल जाए। बड़े उदाहरण मिलते हैं ऐसे, लेकिन आज तक हमने भाव से भगवान को देखा ही कहाँ है जो दर्शन होगा। अरे भगवान का रूप कोई कम थोड़ी है, ऐसा प्रभु का रूप है जो काम देवों के भी रूप को मथने वाला है, काम देव को भी मोहित करने वाला है। भगवान में अनंत अनंत गुण है, सुने जाए तो उनके गुण सुने जाए। श्री धनुर्धर दास जी महाराज, बड़ा सुंदर इनका चरित्र है, ये दक्षिण भारत के एक संत हुए हैं। इनकी अपनी स्त्री के रूप में बड़ी आसक्ति थी, ये रूपासक्त थे, इनको कहीं भी अच्छा रूप मिल जाए तो ये रूप के दीवाने थे, उसी रूप को ये देखते। तो इनकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो इनका रूप का इनको बड़ा देखने का व्यसन था, तो अपनी स्त्री को ही दिन रात देखते थे। एक बार रंगनाथ भगवान की सवारी निकली,
रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत हजारों संख्या में श्रद्धालु आए, दर्शन करने के लिए भक्तगण आए, इनकी स्त्री भी दर्शन करने गई, इनकी स्त्री दर्शन करने गई तो ये भी साथ साथ दर्शन करने गए, लेकिन सारे भक्त सब वैष्णव सब श्रद्धालु तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी की ओर रुख करके चल रहे हैं, ऐसा इनको रूप देखने का ऐसा व्यसन। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही है, सब भक्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज जो शंकर शरण भगवान के अवतार हुए हैं, रामानुजाचार्य जी देख रहे थे रथ पर बैठे बैठे, अरे ये आदमी कैसा है, सारे भक्त सारे श्रद्धालु भगवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और ये अपने स्त्री की मुक्ति और देख रहा है। समझ गए कि इसको ये व्यसन जो है ये बड़ा बुरा व्यसन है, लेकिन प्रभु ये आपसे यदि जुड़ जाए, आप इस पर ऐसी कृपा करें, आप इसको एक बार अपनी बाकी झांकी का उस रूप का दर्शन करा दें जिस रूप को देखते ही बड़े बड़े कामदेव जैसे सुंदर सुंदर देवगण भी आपके उस रूप को देखकर मोहित हो जाए। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, रामानुजाचार्य जी ने अपने सेवकों को भिजवा कर बुलवाया कि जाओ इस व्यक्ति को बुला के लाओ हमारे पास। रामानुजाचार्य जी के सेवकों के द्वारा बुलवाया गया, वो आए, लेकिन बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी से, लेकिन देख अपनी पत्नी की ओर ही रहे, वहां से दृष्टि नहीं हट रही है। समझ गए बड़ी घिरी हुई स्थिति है, लेकिन प्रभु ये स्थिति आपसे जुड़ जाए तो ये आपकी प्राप्ति इसको हो जाएगी, आपकी कृपा एक बार आप करा दीजिए। श्री प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु आप इसको एक बार बांकी झांकी का दर्शन कराएं। रामानुजाचार्य जी ने कहा है, देखो अब तक तो तुमने अपनी पत्नी का दर्शन किया है, देखा है, लेकिन एक बार हमारे कहने से केवल एक बार कृष्ण दर्शन कर लो, भगवान रंगनाथ का दर्शन कर लो। भगवान उनकी प्रार्थना से, क्योंकि साक्षात शंकर सिंह भगवान के अवतार हैं, भगवान ने अपनी ऐसी बांकी झांकी का दर्शन कराया है, धनुर्धर दास जी को ऐसी बांकी झांकी का दर्शन कराया है, अपने उस सौंदर्य का उस रूप का दर्शन कराया जो कामदेवों को भी मत दे, कामदेव भी उस रूप को देखकर मोहित हो जाए। जब उनका दर्शन किया है धनुर्धर दास जी ने, तो रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर पड़े, अरे प्रभु जहां आज तक रूप ही नहीं था, जहां आज तक गुण ही नहीं था, आज तक मैं उस नरक में पड़ा रहा, आज तक मैंने किसका दर्शन किया, मेरा समय यूं ही व्यर्थ गया। बड़ा वहां उन्होंने दुख प्रकट किया है, और वहां रामानुजाचार्य जी के चरणों में धनुर्धर दास जी गिर गए हैं, शरण ग्रहण की है, और उसके बाद धनुर्धर दास जी ने कभी अपनी स्त्री की ओर नहीं देखा, और उसके बाद धनुर्धर दास जी महाराज रामानुजाचार्य जी के शिष्य बन गए, और कभी मुड़कर घर की ओर स्त्री की ओर किसी की ओर नहीं देखा। तो भैया भगवान में कोई रूप कम थोड़ी है, देखा जाए भगवान के स्वरूप को देखा जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव का बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान की बांकी झांकी भगवान के गुणों को सुन लिया जाए, तो भैया एक बार उनके गुणों को उनके स्वरूप का दर्शन कर लो तो किसी को देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी, तुझे सुनना
तुझको छोड़ कुछ देखूं वो आंखें फूट ही जाए, जो देखूं रूप तेरा तो देखना क्या रहा बाकी। प्रभु का ऐसा स्वरूप है, उसको यदि एक बार देख लिया जाए तो फिर कुछ देखने की या कुछ पाने की या सुनने की फिर इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन हम लोगों ने आज तक उस रूप को देखने की इच्छा ही नहीं की। अभी तो हम संसार का ही रूप देखते आ रहे हैं, संसार को ही सुनते आ रहे हैं, कहाँ से भगवत दर्शन होना, गंदी वस्तुओं को देखते आ रहे हैं। इसलिए हर इंद्रिय से प्रयास करें कि शुद्ध आहार ही जाए, तो उससे मन गंदा नहीं होगा, भगवत दर्शन होगा। अजामिल के एक बार देखने से उसका ऐसा पतन हुआ, वैश्या संग करने लगा, संतों की कृपा हुई उसके यहाँ, वैश्या का द्वार खटखटाया, संत दर्शते पातक नहीं। संत दर्शन से वैश्या के कुछ पाप नष्ट हुए, उसने संतों को भोजन कराया। जिस समय संत उसके घर में आए हुए थे, उस समय वो जंगल से शिकार खेल के आया, शराब पी रखी थी, आंख लाल हो रही थी अजामिल की, कंधे पर मृग पड़ा हुआ है, मरा हुआ। वैश्या समझ गई कि संतों को देखते ही कहीं ऐसा नहीं हो कि इनका अपमान कर दे। संतों का यदि अपमान किया तो ये बच नहीं पाएगा, भक्तों का अपराध किया तो ये बच नहीं पाएगा। वैश्या ने जाकर पहले सतर्क कर दिया, देखो ये संत मेरे बुलाने से आए हैं, तुम इनसे कुछ कहना नहीं, तुम इनके चरणों में जाकर क्षमा याचना करो कि मैंने आज तक जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, कृपा करें मेरे ऊपर, मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें, मुझे अभय दान दें। अपने वैश्या के कहने से, क्योंकि मदरा पीकर एकदम मदोन्मत्त हो रहा था, तो मदरा पीने वाले आदमी को आप जैसा सिखाओगे वो वैसा ही बोलता है, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मदरा के नशा में जो वैश्या ने कहा उसने बोल तो दिया, लेकिन भैया संतों का ऐसा दया का स्वभाव होता है, ऐसा कृपा का स्वभाव होता है कि वो एक नीच से नीच, गिरे से गिरे जीव पर भी कृपा करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा कल्याण चाहते हो, तो देखो तुम्हारे 9 पुत्रों का नाम तो तुमने अपनी इच्छा से रखा, लेकिन अभी तुम्हारा 10वां बालक अपनी माता के पेट में है, जब इसका जन्म हो तो तुम इसका हमारे कहने से नाम नारायण रख देना। बोले अच्छा इतनी सी बात, ठीक है रख देंगे। संत बताकर चले गए हैं, लेकिन संत भी जानते हैं कि भैया कैसे मरीज को कैसी दवा लेनी चाहिए। यदि संत उसको ये बता देते कि बैठ के 2-4 घंटे भजन करना, माला फेरना, तो क्या पता उन संतों की वो पूजा कर देता बढ़िया। लेकिन उन्होंने देखा कि इस प्रकार तो इसका कल्याण हो नहीं पाएगा। अब उसको नाम के बहाने स्मरण रहने लगा कि अरे अब नारायण का जन्म होने वाला है, अब जन्म होगा, तो इस बहाने से उसको नारायण नाम का स्मरण रहने लगा। लेकिन ध्यान रखें, भगवान नाम, भगवान का नाम पाप तो नष्ट करता ही है, लेकिन भगवान नाम से सबसे बड़ा लाभ जो है, पाप नष्ट तो होगा, ये तो आनुषंगिक फल है, ये तो होना ही होना है, लेकिन भगवान नाम को लेने से सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि कृष्ण चरण रज में, कृष्ण भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब जैसे आग है, आग में प्रेम से हाथ डालो तो भी वो जलाएगी, गुस्से से हाथ डालो तो भी वो जलाएगी, अमृत है उसको गुस्से में पियो, हंस के पियो तो भी वो अमर करेगा। तो इसलिए वैसे ही भगवान नाम है, चाहे जान के लो, चाहे अनजान में लो, किसी भाव से लो, वो अपना कार्य करेगा ही करेगा। धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे हैं। समय आया भीषण, जब उसका मृत्यु का समय आया है, उसने अपने सामने भयानक यमदूतों को देखा है, तो उन यमदूतों का रूप देखते ही वो तो घबरा गया, क्योंकि अब जीवन भर पाप ही किए तो यमदूत ही तो आएंगे। जैसे वो घबराया तो उसने घबरा कर बड़े उत्तेजना से, बड़ी जोर से अपने बालक को, सबसे छोटे बालक को पुकारा है, नारायण बेटा इधर आओ। नारायण नाम जैसे लिया है, नारायण नाम लेते ही वहाँ भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। विष्णु के दूतों ने, भगवान के दूतों ने यमदूतों को पकड़ लिया। अरे तुम कहाँ ले जाते उसको? बोले आप कह रहे कहाँ ले जाते हो? अरे आपको नहीं पता इसने जीवन भर पाप किया है,
अब ये पाप नरक की योनि भोगने का ही तो अधिकारी है, और आप कहते हैं कहाँ ले जा रहे हैं, बोले नहीं नहीं इसको नहीं ले जा सकते तुम, इसने तो सब पापों का प्रायश्चित कर लिया, एक भगवान नाम ले लिया, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसी बीच अजामिल ने, जब विष्णु दूतों की और यम दूतों की इस प्रकार लड़ाई हो रही थी, तो उसमें धर्म का भक्ति धर्म उसको सुनने को मिल गया है अजामिल को। इधर विष्णु दूतों ने जब छुड़ाया, यमदूत चले गए, जब इधर को उसको होश आया अजामिल को, तो अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ, रे मेरे 88 वर्ष इसी पाप में, सांसारिक पाप में व्यतीत हो गए, नष्ट हो गए बुरे कामों में, हिंसा आदि बुरे कामों में, दुर्व्यसनों में, अब मैं ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा हुई कि एक भगवान नाम के आश्रय से बच गया, नहीं तो इतने पाप मैंने किए मैं कभी नहीं बच सकता था। और उसी समय सब कुछ छोड़ छाड़ के अजामिल हरिद्वार में गया है, वहाँ उसने भगवत भजन करके उसकी प्राप्ति हुई है। तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ कहा है, म्रियमाणो हरेर नाम ग्रणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया ग्रहण। जब मरते मरते पुत्र के बहाने, भगवान के बहाने भी नहीं पुत्र के बहाने, जिसने मरते मरते भगवान नाम लिया हो, जब उसका उद्धार हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो भैया जो प्रेम से हृदय से संकीर्तन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक कथा में आकर बैठते हैं, गाते हैं, तो उनका कल्याण ना हो ये कैसे संभव है, उनका कल्याण तो अवश्य होना ही होना है। तो भगवान नाम सभी पापों का प्रायश्चित है, चाहे उसको भगवान के निमित्त लो, चाहे उसको किसी भी निमित्त से लो, वो कल्याण करेगा ही करेगा, क्योंकि भगवान नाम एक ऐसी शक्ति है जो नाम ही को लक्ष्य से नहीं लिया गया, भगवान को बुलाने के लक्ष्य से नहीं लिया गया तो भी वो कल्याण करेगा। हम लोग जहाँ से आए हैं, बरसाना धाम जो श्री राधा रानी का गांव है, ब्रज वृंदावन के पास जो बरसाना है, बरसाना में गैवर वन है, जो राधा रानी गैवर वन राधा रानी के अपने हाथों से लगाई हुई वाटिका है। एक महापुरुष हुए हमारे गवर्नमेंट में बहुत पहले, संत हुए श्री अली किशोरी जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम किशोरी था, इनको नामाभास से भगवत प्राप्ति राधा रानी की प्राप्ति हुई। इनका अपनी पत्नी में, इनकी पत्नी का नाम था किशोरी, अपनी पत्नी में बड़े आसक्त थे, एक दिन इनकी पत्नी मर गई, तो गवर्नमेंट की लताओ पताओ में विरह में पत्नी रही नहीं, तो विरह में किशोरी किशोरी कहकर पुकार रहे थे, किशोरी किशोरी कहकर जब चिल्ला रहे थे, हे किशोरी कहाँ हो, तो राधा रानी ने सुना और ललिता जी से कहा, हे ललिते देखो हमारा नाम कोई पुकार रहा है, हमें कोई बुला रहा है, देखो तो सही कौन है। तो ललिता जी ने कहा, अरे श्री राधे जो आप बड़ी बुरी हैं, वो तो अपनी बहू को बुला रहा है, नहीं नहीं देख के तो आओ कौन है। तो श्री जी बोली, देखो उसकी बहू का नाम तो 10-20 साल पहले से होगा, 100 साल पहले से होगा, लेकिन किशोरी मेरा नाम तो सदा से ही है, तो भले ही वो अपनी पत्नी को बुला रहा है, एक बार तो उसके ऊपर कृपा करो। तब वहाँ ललिता जी को कहा है, तुम जाओ उसके ऊपर कृपा करो, और ललिता सखी वहाँ जहाँ अली किशोरी जी अपनी पत्नी को पुकार रहे थे, किशोरी किशोरी, उनके पास आई है और ऐसी कृपा की है, कहा है जाओ आप वंशी अली जी की शरण में जाओ। वंशी अली जी से जब किशोरी अली जी ने, अली किशोरी जी ने दीक्षा ली है, उनकी शरण ली है, तब स्वयं श्री राधा रानी ने अली किशोरी जी को दर्शन दिया है, और कैसी कृपा मिली है, कैसे दया मिली है श्री प्रभु श्री राधा रानी, उनके बहाने नहीं, उनको नहीं बुला रहे थे, वो अपनी पत्नी को बुला रहे थे, नामाभास कैसे दयामय है श्री प्रभु कि उनको नहीं बुलाया, लेकिन उनके किसी को बुलाने के बहाने उनका नाम तो निकला, तो उसी से उनके ऊपर कृपा हुई है। जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित एक भगवान नाम को लेने से हो जाता है। बड़े सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री अजामिलोपाख्यान के द्वारा भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया है कि भैया चाहे मानसिक शुद्धि हो, चाहे शारीरिक शुद्धि हो,
किसी भी प्रकार की शुद्धि हो वो सब भगवान नाम से हो जाती है। ये ऐसा इसमें सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है। कबीरदास जी महाराज के जीवन चरित्र में यह देखने में आता है। एक दिन श्री कबीरदास जी महाराज चना चबा के और चना खाते खाते राम 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 जप रहे थे। एक कर्मकांडी ब्राह्मण सामने से निकले। उन्होंने कहा, अरे बड़ा भक्त बनता है, इसको ये ध्यान नहीं है, इसको इतनी भी अकल नहीं है कि अरे राम नाम जपना ही है तो कुल्ला आदि करके जपे। झूठे मुँह चना भी चबा रहे हैं और राम राम भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, अरे कबीरदास जी आप इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत हैं, आपको इतनी भी अकल नहीं है, आप कम से कम कुल्ला करके एक आसन पर आराम से स्वच्छता से बैठकर नियम से बैठकर राम नाम जपे। तब वहाँ कबीरदास जी ने उस ब्राह्मण के कहने से, कर्मकांडी ब्राह्मण था, तो दो बार कुल्ला किया, तीन बार कुल्ला किया और चौथी बार मुंह में पानी लेके उसी ब्राह्मण के ऊपर कर्मकांडी के ऊपर कुल्ला कर दिया। अब वो कर्मकांडी ब्राह्मण तो बड़ा गुस्सा में, अरे एक तो अच्छी बात सिखाओ और उसके बाद भी हमारे ऊपर ही कुल्ला कर रहे हो, झूठा फूटा हमारे ऊपर फेंक रहे हो। तो कबीरदास जी ने कहा, भैया आपने ही तो कहा था कि तीन बार कुल्ला करके मुंह पवित्र करके बैठो, तो अब तीन बार हमने कुल्ला कर लिया, ये तो कुल्ला कोई अशुद्ध तो है नहीं, अपवित्र तो है नहीं। अरे कहीं मुंह कहीं स्वच्छ होता है, मुंह में थूक हमेशा भरी रहती है, ये तो हमेशा पवित्र है। तो कबीरदास जी ने कहा, भैया जब ये कभी पवित्र होता ही नहीं है तो ये तीन बार कुल्ला करने से भी कहाँ पवित्र हो जाएगा। इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता तो भैया केवल नाम से है। जीव की शुद्धता, शारीरिक शुद्धता भी केवल भगवान नाम से हो सकती है, मानसिक शुद्धता भी। तो इसलिए मरते मरते भी अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है नारायण नाम लेने से। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ये ऐसा नाम है भैया, इसकी महिमा का वर्णन तो भगवान ही नहीं कर सकते। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते किसी से मिले तो आप हाय हेलो ना करके भगवान नाम का दान करें, चलते फिरते आपका कल्याण कर देगा भगवान नाम। चलते फिरते इतना बड़ा दान हो जाएगा। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े संत हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज, उनका एक कवित्त है, उन्होंने बताया है कि भगवान नाम का दान कितना बड़ा है कि हेम को सुमेरु दान, रतन अनेक दान, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान। ये सब बहुत बड़े बड़े दान बताए हैं कि कन्या दान करना, सेज दान करना, स्वर्ण का दान करना और इतने में पापन को नेक न टरे। ये सब बड़े बड़े दान कर लो, बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, पाप नष्ट नहीं होंगे। तो कैसे नष्ट होंगे? बोले कृष्ण के शरीर को नाम एकमात्र लेप ध्रुव, कृष्ण नाम लेने से पापी तीन लोकन के छिन माही टरे, तीनों लोकों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतने बड़े बड़े दान करने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान नाम अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो जय श्री कृष्ण या राम राम, भगवान नाम को लेते ही बात की शुरुआत करें तो उससे आपकी शारीरिक मानसिक और इतना बड़ा दान आपके साथ सहज में हो जाएगा। तभी तो कहा भैया राम न सके नाम गुणगाई, ऐसा प्रभु का नाम है जिसका भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्म राम वर नाम ते वरदायक वरदान, ऐसा कहकर नाम को श्रेष्ठ महापुरुषों ने साक्षात स्वयं भगवान ने कहा। तो दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। Yeah.
आगे सप्तम स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज ने एक जिज्ञासा की है सुखदेव जी से कि प्रभु मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, चाहे असुर हो चाहे देवता हो सब भगवान के ही हैं, लेकिन यद्यपि सम नहीं राग न रोषु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, भगवान को ना किसी के पुण्यों से मतलब है ना किसी के पापों से मतलब है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों देखने में आता है कि जब जब विनाश करवाते हैं तब तक वो दैत्यों का विनाश करवाते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तब वहां श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देखो भगवान के लिए सब समान है लेकिन फिर भी भगवान का पक्षपात भक्तों के प्रति कुछ अधिक रहता है, भक्तों का भगवान अधिक पक्षपात करते हैं। जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष को मार के प्रहलाद जी की रक्षा की है, सनकादि मुनीश्वर का अपराध होने से हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष ये पहले पार्षद थे, इनको दैत्य योनि में आना पड़ा, असुर बने हैं। युधिष्ठिर जी ने ही, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं एक बार युधिष्ठिर जी ने यह प्रश्न नारद जी से किया है कि शिशुपाल भगवान को गाली देते देते भी भगवान के चरणों में समा गया, ना उसने भगवान की पूजा की ना कुछ किया, लेकिन फिर भी शिशुपाल गाली देते देते प्रभु के चरणों में समाविष्ट हो गए, ये कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री नारद जी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर श्री युधिष्ठिर जी की शंका का निवारण किया है कि देखो भैया गोप्य कामाध्यात्मसो, ये भक्ति मार्ग इसलिए तो बड़ा सरल मार्ग कहा है, भक्ति मार्ग के द्वारा जितना जल्दी, इसमें इतनी स्वतंत्रता दे दी भगवान ने, इतनी स्वतंत्रता, जितनी जल्दी इस मार्ग के द्वारा जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है उतना और किसी मार्ग के द्वारा नहीं। बोले गोप्य कामाध्यात्मसो द्वेषे चाद्या गयो नृप संबंधा रश्नया स्नेहा द्वयम् भक्त्या वयम् विभु, कि गोपियों ने श्री भगवान को काम भाव यानी जार भाव से प्रेम करती थी, भगवान को कोई भगवान थोड़ी मानती थी हमारे पति हैं, कोई मानती थी हमारे बालक हैं, तो जार भाव से गोपियों ने श्री प्रभु की प्राप्ति की कामाध्याय कंसो, और कंस कोई भगवान की पूजा थोड़ी करता था लेकिन हमेशा उसको भय लगा रहता था, अरे कहीं मेरा आठवां काल ने कहाँ जन्म ले लिया, कब आके मुझे मार दे, तो कंस हमेशा भय से प्रभु का चिंतन किया करता था। तो भय से चिंतन करने वाले को भी भगवत प्राप्ति होगी। द्वेषाद्या दयो नृप, शिशुपाल ने द्वेष किया संबंधात वर्षय, और यदुवंशियों ने संबंध से, क्योंकि भगवान का यदुवंश में जन्म हुआ ना, तो कोई उनका चाचा कोई समझता था, कोई समझता था ये हमारे मामा है, तो संबंध से ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, स्नेहा द्वयम् भक्त्या वयम् विभु, और भैया भक्त्या भक्त स्नेह से प्राप्त कर लेते हैं। तब यहाँ ऋषि जी ने प्रश्न किया कि गोपियों का तो कोई अच्छा भाव नहीं था, जार भाव का प्रेम था, तब श्री नारद जी ने कहा भैया जब भय से द्वेष से भगवत प्राप्ति हो सकती है तो गोपियों ने तो प्रेम ही किया, गोपियों को प्रेम से प्राप्त हो गए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, वो तो द्वेष भाव भी कर लो वैर भाव भी कर लो भय से भी उनकी प्राप्ति की जा सकती है। तो इसलिए क्योंकि भैया ये ऐसा द्वार है श्री प्रभु का कि जब पूतना प्रभु को मारने के लिए आई, कोई अच्छा भाव लेकर थोड़ी आई, मारने की भावना, वस्तु के नाम पर जहर लेके आई, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको माता की गति प्रदान की, क्योंकि भैया दीन बंधु का द्वार खुला है, आना हो सो आए, अभय दान का दान बट रहा, लेना हो ले जाए, कामी क्रोधी कोई भी हो किसी भी भाव से उनको भजो अवश्य वो प्राप्ति होगी उनकी। तो इसलिए युधिष्ठिर जी ने आगे प्रश्न किया है कि ये भगवान ने कैसे हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का वध करके कैसे भगवत प्राप्ति प्रहलाद जी ने की है, भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवत दर्शन हुआ है, कैसे प्रहलाद जी को भगवान का दर्शन हुआ है। तो आगे श्री नारद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के चरित्र के बारे में बताया है कि भगवान ने जब वारा रूप से शुक्रावतार लेकर हिरणाक्ष का जो छोटा भाई था
हिरण्यकश्यप का जो छोटा भाई था हिरणाक्ष उसका वध किया। हिरणाक्ष का वध होने पर हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा। अब उसने सोच लिया कि अब मैं इस विष्णु से बदला लूंगा, अब मैं अमर सम्राट बनूंगा और उसके बाद विष्णु से बदला लूंगा। भगवान से बदला लेने के लिए उसने तपस्या करना आरंभ कर दिया और मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। 100 दिव्य वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने बड़ी कठोर तपस्या की है। ऐसी तपस्या की कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसकी तपस्या से प्रसन्न होके, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारी जैसी तपस्या आज तक ना किसी ने की ना कोई कर सकेगा। 100 दिव्य वर्षों तक ऐसी तपस्या की उसने कि उसका सारा का सारा शरीर दीमक ने खा लिया और हड्डी का ढांचा बचा। ब्रह्मा जी भी जब आए वो भी नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यप कहाँ। वहां हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा हिरण्यकश्यप तुम क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मन, हे जगत पिता, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके रचित प्राणियों से जो आपकी सृष्टि आपने बनाई है उसमें जितने भी प्राणी हैं उनसे मेरी मृत्यु ना हो, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, यानी कभी मेरी मृत्यु हुई ना। हर वरदान के पीछे उसका यही अंश सार छुपा था कि मेरी मृत्यु हो ही ना और आप मुझे एक अक्षय ऐश्वर्य प्रदान करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब उसको अमर होने का जब वरदान प्राप्त हुआ, अब तो वो स्वर्ग पर उसने चढ़ाई कर दी। स्वर्ग में सब देवता उसको देखते ही उसके चरणों में गिर पड़े। अब तो वो खुद देवराज इंद्र की जगह बैठ गया। सब देवता उसकी स्तुति करें क्योंकि अमर होने का वरदान मिल गया। अब उसके सामने कौन टक्कर ले उसकी? अब सबके सब लोकपाल सब उसकी स्तुति करें। देवता बड़े दुखी हुए। देवता सब प्रभु की शरण में गए हैं, प्रभु कि आपने कौन सी स्थिति प्रकट कर दी, अब आप हमें कब तक ये कष्ट सहने पड़ेंगे, इन कष्टों से उबारो। भगवान ने कहा, देखो अभी इसके इससे अपराध होना है और एक अपराध होने के बाद संत अपराध भक्त अपराध जब ये करेगा तब यह नष्ट हो जाएगा। तब वहाँ देवताओं ने प्रार्थना की है, प्रभु इससे अपराध बचा कौन सा है? जब से इसने स्वर्ग पर राज्य किया है, स्वर्ग पर बैठा है, तब से इसने पृथ्वी में सब धर्म कर्म रुकवा दिए, गौशालाओं में आग लगवा दी, संत ब्राह्मणों में को ये से ये द्वेष करता है, संतों को ब्राह्मणों को ऋषियों को ये कष्ट देता है, यज्ञ नहीं करने देता, इससे कौन सा अपराध बचा है? बोले अभी एक वैष्णव भक्त का अपराध बचा है। बोले कौन सा भक्त? कहाँ? सारी सृष्टि में इसने किसका अपराध नहीं किया, कौन सा भक्त बचा है, कहाँ है वो? बोले वो भक्त ऐसा भक्त है जब उस भक्त का ये अपराध करेगा तब यह नष्ट हो जाएगा और वो भक्त इसी के यहाँ इसी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, वो होंगे श्री प्रहलाद जी महाराज। उनका जब यह अपराध करेगा तब यह उसी समय नष्ट हो जाएगा। सब देवतागण प्रहलाद जी महाराज के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए हैं, संलाद, अनुलाद, हलाद और सबसे छोटे हुए श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज के गुणों का वर्णन श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं कि ऐसे गुणों के भंडार थे, असंख्य गुण थे श्री प्रहलाद जी में, असंख्य गुण। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संदो जितेंद्रिय आत्मवत् सर्वभूतात्मा भूतानां प्रिय स्वरितम, असंख्य गुण थे। ब्राह्मणों को उठकर प्रणाम करते थे, गुरुजनों को सम्मान दिया करते थे, अपने छोटों से प्यार किया करते थे, अधिक सम्मान वाले को प्रोत्साहित करते थे और जिसका कम सम्मान हो उसको उत्साहित किया करते थे। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज में अनंत गुण थे, अनंत गुणों के भंडार थे, लेकिन नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि उन गुणों में जो सबसे बड़ा एक महान गुण था वो था वासुदेव भगवती भक्ति यस्य नैसर्गिकी रति, भगवान के श्री चरणों में ये सबसे बड़ा गुण था। श्री ठाकुर जी के चरणों में उनका प्रेम था, भगवान में उनका मन था, भगवान से स्नेह किया करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे, ये सबसे बड़ा गुण था। दृढ़ प्रीति थी प्रहलाद जी की भगवान के चरणों में, ये सब गुणों का सार उनके अंदर
स्थापित श्री ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, भगवान के श्री चरणों में उनका प्रेम हुआ है। और प्रहलाद जी महाराज की ऐसी प्रीति, ऐसा मन था कि नदति क्वचित कंठो विलज्जो नृत्य क्वचित, ऐसा श्री ठाकुर जी में हर समय इनका मन लगा रहता था कि कभी श्री ठाकुर जी के प्रेम में हंसने लगते, कभी श्री ठाकुर जी के प्रेम में गाने लगते, कभी श्री ठाकुर जी के प्रेम में नृत्य करने लगते। ऐसा इनको प्रेम चढ़ गया था कि कृष्ण रूपी ग्रह क्वचित भावना तन मनोनुचकार विलज्जो नृत्य थे क्वचित। कृष्ण रूपी ग्रह, नवग्रह तो सबने सुने होंगे लेकिन कृष्ण रूपी ग्रह नहीं सुना होगा। कृष्ण रूपी ग्रह उसी को लगता है कि कारो सुख नंदराय को जागी लीला नित्य, ये वाही को लगत है जाको निर्मल चित्त। जिसका एकदम निर्मल चित्त है उसको ही कृष्ण रूपी ग्रह, यानी उसी के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो ये ग्रह इनके ऊपर लगा हुआ था। ठाकुर जी ने इनके हृदय को चुरा लिया। अब कभी नाचे जैसे मीराबाई की स्थिति हुई, जहाँ जहाँ पाँव धरूँ धरती पे मैं तो तहाँ तहाँ ही नाचो करूँ, मैं तो राम रमैया गायो करूँ। उनको ये परवाह नहीं थी, उनकी सास उनकी नंद उनको सब पीड़ित करते थे, उनको किसी बात की परवाह नहीं। जहाँ जहाँ पाँव धरूँ धरती पे नृत्य करती थी, गान करती थी, प्रभु की आराधना करती थी, उनको किसी की परवाह नहीं थी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। वो ये नहीं उन्होंने ध्यान दिया कि मैं महारानी हूँ रानी हूँ, इतनी बड़ी पदवी पर क्या देख कर लोग कहेंगे। नहीं, कृष्ण चरणों कभी उनको ऐसा अनुभव होता था प्रहलाद जी को जैसे श्री ठाकुर जी साक्षात उनके सामने, तो कभी प्रेम में नाचने लगते। ये सबसे बड़ा गुण श्री प्रहलाद जी महाराज के अंदर था। एक दिन प्रहलाद जी के पिता ने उनको अपनी गोदी में उठाया और उठाकर कहा, बेटा तुमको इस संसार में सबसे अच्छा क्या लगता है? तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि पिताजी, मैं मेरा करना ही संसार में एक अंधे कुएं में जाकर गिरना है, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। संसार में सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति करूंगी, यही सबसे अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी की बात सुन के बड़ी जोर से हंसा, रे देखो छोटा सा है, लगता है इसकी बुद्धि किसी ने बिगाड़ दी है, लगता है कोई विष्णु पक्ष के विष्णु का भजन करने वाले ब्राह्मण भक्त कोई हमारे राज्य में आ गए, उन्होंने इसकी बुद्धि बिगाड़ दी है। अब बालक को जैसा बोल दो वो वैसा ही बोलने लगता है। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने कि अभी तो ये सब बात बोल रहा है, कहीं विष्णु का ही भजन करने न लग जाए, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो भगवान से द्वेष करता ही था। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कहीं इसकी ये विष्णु की भक्ति कहीं और ना बढ़ जाए, इसलिए उसने अपने गुरु पुत्र को बुलाया शंडामृगों को और कहा, जाओ इसको नीति अर्थ काम की शिक्षा दो, ये विष्णु का भजन वजन करना भूल जाए। शंडामृग लेके गए हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद जी महाराज को और दिन रात अर्थ काम नीति की शिक्षा देने लगे। तब सब शिक्षा दे दी तो शंडामृग ने सोचा अब तो प्रहलाद लगता है सब कुछ सीख लिया, सब कुछ याद हो गया, चलो पिताजी के पास लेके चलते, इनके पिता बड़े प्रसन्न होंगे कि देखो हमने कुछ ही दिनों में सब कुछ इसको सिखा दिया। प्रहलाद जी गए, हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और कहा, अच्छा बेटा तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जितने पाठ पढ़ाए हैं उनमें से सबसे अच्छा पाठ तुम्हें कौन सा लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी क्योंकि प्रहलाद जी जो पढ़ना चाहते थे वो शृंगारमक पढ़ाते नहीं थे, और जो शृंगारमक पढ़ाते थे वो प्रहलाद जी पढ़ना नहीं चाहते थे, और प्रहलाद जी शृंगारमक को अपना गुरु ही नहीं मानते थे, क्योंकि भैया ऐसा क्या गुरु जो भगवान की भक्ति की शिक्षा ना दे, भगवदोन्मुख ना करे। तो अब शृंगारमक तो अर्थ काम नीति की शिक्षा देते थे, संसार प्राप्ति की शिक्षा देते थे जिससे आदमी संसार की प्राप्ति करे भगवान को भूल जाए, तो ऐसी शिक्षा किस काम की जिसमें भगवत भक्ति भगवान की ही चर्चा ना हो। तो प्रहलाद जी महाराज शृंगारमकों को गुरु नहीं मानते थे, प्रहलाद जी महाराज मानते थे श्री नारद जी महाराज को गुरु, क्योंकि जिस समय कयाधु को इंद्र ले जा रहे थे पकड़ के, और कयाधु जो है ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, तो कयाधु जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो इंद्र ने सोचा कि एक ही हिरण्यकश्यप ने पूरे त्रिलोकी में
नाक में दम कर रखा है और इसके बालक अभी इसके पत्नी के गर्भ में एक और बालक है। अब जैसा पिता है वैसा ही बालक होगा। अब और बालक हो गए तो ये तो और पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच जाएगा। तो कयाधु के पेट में समय हिरण्यकश्यप की पत्नी के पेट में समय प्रहलाद जी महाराज पल रहे थे। तो इंद्र ने सोचा कि इसके गर्भ को मैं मार देता हूँ। तो नारद जी ने देखा कि अरे इंद्र मारने की इच्छा से ले जा रहे हैं। नारद जी ने रोक लिया कि अरे इंद्र तुम एक इंद्र तो क्या हजार इंद्र भी इसका इसको नहीं मार सकते, इसका अनिष्ट नहीं कर सकते। इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं, कोई असुर नहीं, भक्त प्रहलाद जी पल रहे हैं। नारद जी ले आए थे कयाधु को और अपने आश्रम में रख लिया और आश्रम में नित्य प्रति श्री नारद जी महाराज कयाधु को भगवत चरित्र सुनाते थे और गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज उसका श्रवण किया करते थे। तो पूरे भक्ति के सब धर्मों का उन्होंने श्रवण किया है, सुंदर सुंदर शिक्षाओं का श्रवण किया है। क्योंकि जैसा माता करती है बालक के ऊपर भी वैसा ही असर पड़ता है जिस समय गर्भ में बालक रहता है। तो भक्ति की शिक्षा भक्ति का श्रवण किया है नारद जी के द्वारा उनकी माँ कयाधु ने और प्रहलाद जी महाराज ने भी। तो प्रहलाद जी महाराज नारद जी को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने ही भक्ति की शिक्षा दी। तो नारद जी महाराज ने जो भक्ति धर्म की शिक्षा दी थी उसमें से सबसे अच्छा पाठ मुझको लगा था नवधा भक्ति का कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। कि भगवान की कथा सुनी जाए, श्रवण भगवान का ही कीर्तन किया जाए, भगवान का ही स्मरण किया जाए, अर्चनम उनकी ही अर्चना की जाए, स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम दास्य भाव से उनकी पूजा की जाए। ये नौ प्रकार की भक्ति से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। ये भक्ति के नौ अंग हैं, इनमें से किसी भी अंगों को चुन लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये नवधा भक्ति का पाठ प्रहलाद जी को सबसे अच्छा लगा। प्रहलाद जी की बात सुन ली अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध में एकदम तिलमिला गया। अरे अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये शृंगारमक ने सब कुछ सिखाया है, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो यही पूछ रहा ना कि तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया। अब हिरण्यकश्यप को क्या पता कि प्रहलाद जी महाराज नारद जी को अपना गुरु मानते हैं, नारद जी की शिक्षा को मुझे बता रहे हैं। अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि शृंगारमक ने ये सब सिखाया है। बुलाया शृंगारमक को, अरे तुम तो छिपे हुए दुष्ट निकले, मैंने तुमको अर्थ काम नीति की शिक्षा देने के लिए भेजा और तुमने इसको क्या उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़ा दी। अब तो शृंगारमक थर थर कांपे खड़े खड़े, क्योंकि अब वो तो अमर है, क्या पता मृत्यु दंड ना दे। तब वो शृंगारमक ने कहा, हे दैत्यराज हमने इसे कुछ नहीं सिखाया, ये तो बिना सिखाए बोल रहा, हमने तो आपके कहे अनुसार आपकी आज्ञानुसार इसको दिन रात अर्थ काम नीति की शिक्षा दी, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहा, हमें नहीं पता। अब वहां प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे बालक तो ये शिक्षा कहाँ से मिली, तेरे गुरु ने भी ये शिक्षा नहीं दी। तब वहां प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मतिर न कृष्ण परतोवा मिथो विपत्त ग्रह बताना। भोगियों को ऐसी बुद्धि नहीं मिलती है। अरे जो भक्त कृष्ण भगवान के भक्तों की चरण रज में लोटपोट होते हैं, संतों की चरण धूलि में स्नान करने वाले लोगों को ही ऐसी पवित्र बुद्धि मिलती है। अपवित्र लोगों को, अपवित्र बुद्धि वालों को ऐसी बुद्धि नहीं मिलती कि वो भगवान का भजन कर सके, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है। अब ये बात सुन के प्रहलाद जी की बात सुनके हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में से उठाकर और पृथ्वी पर बड़ी जोर से पटक दिया और सैनिकों से कह दिया, जाओ इसको पहाड़ ऊंचे पहाड़ की चोटी से गिरा कर मार दो, विषैले सर्पों से डसवा दो, बड़े बड़े हाथियों के नीचे से कुचलवा दो, जिस भी यातना से जिस भी प्रयत्न से ये मरे इसको मार दो। अब सैनिक लेके गए हैं, सब प्रयास कर लिए, आग में जलाया, विषैली सैया पर सलाया, काल कोठरी में रखा, ऊंचे पर्वत की चोटी से गिराया, बड़े बड़े हाथियों के नीचे डाल दिया, लेकिन रिया प्रहलाद जी का एक बाल बांका भी हिरण्यकश्यप नहीं कर पाया, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसका ठाकुर जी भगवान रक्षक हैं उसको बड़ी से बड़ी यात्रा क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर एक दिन प्रहलाद जी महाराज जब किसी भी यात्रा से नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप को सोचने लगा, चलो किसी दिन मैं ही इसको सुधारूंगा। प्रतीक्षा करने लगा,
हिरण्यकश्यपु ने देखा इतनी बड़ी बड़ी यातनाओं के बाद भी ये नहीं मरा, कौन सी इसके पास शक्ति है, विचार करने लगा। लेकिन 5 वर्ष के बालक में वो सोच भी नहीं सकता है कि भैया भगवान की भक्ति से ऐसा प्रभाव आ सकता है। एक दिन प्रहलाद जी के गुरु जी जो थे वो गुरुकुल से चले गए, छुट्टी का दिन था। प्रहलाद जी के जो मित्रगण थे उन्होंने सोचा चलो आज गुरु जी नहीं है, प्रहलाद के साथ खेला जाए। तो प्रहलाद जी के पास गए हैं वहाँ सबके सब बालक और प्रहलाद से कहा है प्रहलाद चलो आज हम सब मिलकर एक साथ खेलेंगे, आनंद करेंगे, आज गुरु जी नहीं। वहाँ प्रहलाद जी ने सब बालकों से खेलने के लिए मना कर दिया, बोले नहीं भैया यह जीवन खेलने कूदने के लिए नहीं मिला है। कौमार आचरे प्राग्यो धर्मान भागतान दुर्लभम मानुषम जन्म, भैया ये जन्म बहुत दुर्लभ है, खेल कूद कर विषय भोग विलास में व्यतीत नहीं करना है। तदप्यम ध्रुवमर्थतम, इस शरीर से ऐसा भजन कर लो कि तुम्हें साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये शरीर ये जन्म खेलने कूदने के लिए नहीं मिला है, बड़ा दुर्लभ शरीर है। कौमार आचरित प्राप्यो, और जीव को कुमार अवस्था 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को कुमार अवस्था कहा जाता है। कुमार अवस्था से ही भजन आरंभ कर देना चाहिए, कुमार अवस्था से। प्रहलाद जी महाराज कुमार अवस्था की तो बालक हैं, 5 वर्ष की आयु में उन्होंने तो गर्भ से ही भजन आरंभ कर दिया। अब कुमार अवस्था का बालक जब 2 साल का बच्चा होता है तो 2 साल का बालक तो नाम ले नहीं सकता, कैसे भजन करे। तो उस समय उसकी माँ का कर्तव्य होता है कि जब तक बालक नहीं बोल सकता तो उसके कान में 2 नाम 4 नाम भगवान के सुना कर ही उसको दूध पिलाए, स्तनपान कराए, तो उससे माँ की भी भक्ति होगी बालक की भी भक्ति होगी। तो कुमार अवस्था से भजन करें, क्योंकि भैया बड़ा क्षण भंगुर है ये जीवन। अरे किसी को संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं ये सब बेकार है। किसी को क्या पता, लोग कई बार सोचते हैं अरे जवानी कोई भजन की अवस्था थोड़ी है, अरे बुढ़ापा पड़ा है पूरा, बुढ़ापे में क्या करेंगे, बैठे भगवान का भजन ही तो करेंगे। अरे भैया किसी को क्या पता कि बुढ़ापा देख भी पाओगे, किसी को क्या पता कि जवानी देख भी पाओगे। भर्तृहरि अडी जी ने कहा है कि इस शरीर से सच्चा स्वार्थ यही है कि इस शरीर के सही सलामत जब तक है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, यदि अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, तो इस शरीर का केवल एक ही अर्थ है कि आत्म कल्याण चाहने वाले को अपने शरीर से कल्याण का कार्य संपादित करना चाहिए। जब तक हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, सत्संग करें, कथा करें, भैया बुढ़ापा कोई रजिस्ट्री करके भगवान ने नहीं भेजा है कि बुढ़ापा तुमको देख ही पाओगे, या बुढ़ापा ही भजन की अवस्था है। किसी के घर में आग लग जाए और वो आदमी जाके ब्राह्मण से पंडित से जाके मुहूर्त निकलवाए, भैया हमारे घर में आग लग गई है, तो मुहूर्त बताओ कि किस मुहूर्त में कुआं खोदे। अब कब तो वो मुहूर्त देखेगा, कब कुआं खोदेगा, इतनी देर में तो घर स्वाहा हो जाएगा। तो ये बुद्धिमानी है कि उसका पहले से ही तैयारी करके रखें, कि ये बुद्धिमानी है कि आग लग गई इसके बाद मुहूर्त पूछने गए, फिर कुआं खोदेगा, फिर पानी से, जब तक तो सब काम हो जाएगा। इसलिए भैया बुद्धिमानी ये नहीं है कि सोचे कि बुढ़ापे में भजन हो जाएगा, बुढ़ापे में कल्याण हो जाएगा। अरे संसार का एक अकाट्य सत्य है मृत्यु, इसको कोई नहीं काट सकता, जिसने जन्म लिया है मृत्यु होगी ही होगी। संसार में कोई वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको यह नहीं पता कि आप जवान हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आपको यह नहीं पता कि बूढ़े हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये अखंड सत्य है कि मृत्यु होगी ही होगी, इसको कोई नहीं काट सकता। क्योंकि भैया सूरदास जी ने कहा सूरज मरी है, चंदाऊ मरी है सब जग जोगी। कबीरदास जी कहते हैं सब जग जोगी, सूरज चंदा भी जब नहीं रहेंगे तो भैया हमारी क्या सामर्थ है, कैसे रह सकते हैं, ये संसार ही नष्ट होने वाला है। सारो ये मुर्दों का गांव, ये तो मुर्दों का गांव है, जो आया है सो जाना ही जाना है। इसलिए नारायण 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, ये प्रहलाद जी ने शिक्षा दी। भैया भक्ति का प्रभाव से जल्दी से भगवत प्राप्ति कर लो, अभी से भजन आरंभ कर दो, पता नहीं आगे का जीवन कितना है कितना नहीं है।
इसलिए इससे अपना सच्चा स्वार्थ निकाल लो। इसका यही सच्चा स्वार्थ है कि जीव अपने इस शरीर से कल्याण कर ले। सच्चा स्वार्थ ये नहीं कि पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई धन कमा लिया, ये स्वार्थ नहीं है। सही सलामत जब तक शरीर है इससे भगवत भजन किया जाए। प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार शिक्षा दी है बालकों को, बालकों ने कहा भैया तेरा पिता हमें मार डालेगा। तब वहाँ प्रहलाद जी ने कहा भैया तुम्हारे सामने मैं साक्षात उदाहरण खड़ा हूँ, हिरण्यकश्यपु ने मुझे कौन सी यातना नहीं दी, लेकिन मेरा कुछ कर पाया? भगवान नाम लो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा बाल बाप का भी नहीं कर सकता। सब बालकों प्रहलाद जी महाराज के कहने से सब बालक भगवान नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे हैं प्रहलाद जी के साथ। हरि गुण गाओ रे, हरि गुण गाओ रे, हरि गुण गाओ रे, गाओ रे, हरि गुण गाओ रे, हरि गुण गाओ रे, गाओ रे, हरि गुण गाओ रे। Thank you.
नृत्य करने लगे, भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। इधर श्रृंगार के जो गुरु आए हैं प्रहलाद जी के, उन्होंने देखा अरे अब तक तो एक प्रहलाद था, अब तो इसने सब बालकों को प्रहलाद बना दिया, सबको कीर्तन करना सिखा दिया। गए हैं हिरण्यकश्यपु के पास, शिकायत की है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया कि अब तो मैं इसको स्वयं ही दंड दूंगा, और बड़ी जोर पर गुस्से में आकर बोला है अरे तुझे नहीं पता कि मेरे क्रोध से त्रिलोकी कांपती है। हे दुर्गनीत मंदात्मन कुल वेदनाधम, हमारे कुल के बालकों का खुद का तो तूने नाश किया ही किया, हमारे कुल के बालकों का भी नाश कर रहा है, सबको ये विष्णु की भक्ति सिखा रहा है, तुझे नहीं पता मेरे क्रोध से सारी त्रिलोकी कांपने लगती है। तूने किसके शासन से मेरा बल तोड़ा है, किसके बल से मेरा शासन तोड़ा है। क्रोध्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहस्रा, सब देवता कांपते हैं मेरे क्रोध से। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी चींटी से लेकर ब्रह्मा तक उसी प्रभु का बल है, मैंने उसी का बल लेकर उसी का आश्रय लेकर शासन आपका तोड़ा है। और हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, डर नहीं रहे प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल भी, जिसके सामने बड़े बड़े देवता डरते हैं। उसने कहा अच्छा आज तेरे भगवान को मैं ही देखता हूँ, तेरा भगवान आज नहीं प्रकट हुआ तो तेरा मैं ही वध करूंगा, मैं अभी तक तुझे क्षमा कर रहा था, सोच रहा था कि बालक पर क्यों हाथ उठाऊं, अच्छा तेरा ईश्वर कहाँ है। बोले पिताजी आप ये कहिए कि मेरा ईश्वर कहाँ नहीं है, मेरा ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जानता, वो तो प्रेम से प्रकट होते हैं। उसको इतना क्रोध आया, क्रोध में आकर एक स्तंभ में उसने घुंसे का प्रहार किया, भीषण ध्वनि करते हुए स्तंभ फटा है और उसमें से प्रहलाद जी के श्री नृसिंह भगवान का अवतार हुआ है। बोले श्री नृसिंह भगवान की जय। बड़ा विचित्र स्वरूप हिरण्यकश्यपु देख रहा है, ना ही ये नर है ना ही ये सिंह है, समझ गया लगता है अब तो उसका भगवान प्रकट हो गया। अब जब तक वो अपने अस्त्र शस्त्र संभाले तब तक तो भगवान ने उसको झपट के पकड़ लिया और ले जाकर देरी पर बैठ गए हैं और उसे अपने जानों पर लिटा लिया हिरण्यकश्यपु को, और सब वरदानों का स्मरण कराया, देख तुझे मारूंगा तो सही लेकिन जो तूने वरदान मांगे थे वो कोई वरदान झूठे नहीं थे, देख ना कोई ये अस्त्र है ना शस्त्र है, ना खून रूपी हथियार है, ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या की लीला है, और ब्रह्मा जी के द्वारा रचित भी मैं नहीं हूँ, मैं ना आकाश में हूँ, क्योंकि भगवान थोड़ी ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, भगवान थोड़ी ब्रह्मा जी ने कोई भगवान को बनाया है, तो भगवान ने सब वरदानों का स्मरण कराया है और अपनी नख रूपी हथियारों को दिखाते हुए हिरण्यकश्यपु के उदर को श्री नृसिंह भगवान ने विदीर्ण किया है और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया है, वध किया है। बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय। उसके जो पेट में आते थी उनको निकाल कर श्री प्रभु ने अपने गले में धारण कर लिया है प्रहलाद जी के सम्मान के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं ये वही आते हैं जिसमें से होकर प्रहलाद जी जैसे भक्त का अंश आया है, इसलिए हिरण्यकश्यपु की कोई भी वस्तु फेंकने वाली नहीं, भगवान ने उसकी आंतों को अपने गले में धारण कर लिया है। वनमाली भगवान आंत्रमाली बन गए हैं, भगवान का बड़ा भयानक स्वरूप है, ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया लेकिन उसके वध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, नेत्रों से क्रोध की लपटें निकल रही हैं, लाल लाल जीव लपलपा रही है, बड़ा भयंकर स्वरूप। सब देवी देवता सोचने लगे भैया ऐसे ही प्रभु का स्वरूप रहा तो सृष्टि में प्रलय हो जाएगी, कैसे प्रभु का रूप शांत किया जाए। सबने लक्ष्मी जी को भेजा भैया तुम ही शांत करो, तुम ही भगवान के दंडा चरण दबाती हो, लेकिन जैसी लक्ष्मी जी पास जाने लगी भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करते ही उल्टे पैर लौटाएं, भैया ऐसा दर्शन तो मैंने भी आज तक नहीं किया, इस स्वरूप के पास तो मेरी भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। बोले अब कैसे प्रभु का स्वरूप शांत किया जाए। सब देवता गए प्रहलाद जी से, ये प्रहलाद जी से कहा बेटा क्या तुम भगवान के स्वरूप को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी ने कहा माँ देवताओं ने कहा तुम्हें भगवान के स्वरूप से डर नहीं लग रहा। बोले अरे देवगणों क्या एक सिंह के बालक को एक शेर के बालक को अपने माँ शेरनी और शेर से कोई भय थोड़ी लगता है, शेर का बालक तो अपने माता पिता के पास उसी प्रकार निर्भय होकर जाता है, तो भगवान तो मेरे पिता हैं और मैं उनका बालक हूँ,
तो मेरे को कहीं भगवान से डर कभी नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं डर लग रहा है प्रभु से। सब देवताओं के भेजने से प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान के पास गए हैं। नृसिंह भगवान के सामने जैसे ही प्रहलाद जी महाराज खड़े हुए, लीला दृश्य एकदम देखते ही देखते बदल गया। जिन नेत्रों से क्रोध की लपटें गिर रही थी, उन्हीं नेत्रों से भगवान के प्रेम के अश्रु गिरने लगे और वहां प्रहलाद जी से कहा, क्षमतव्य में यदि मैं इस समय विलंब, प्रहलाद यदि मुझे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे बेटा क्षमा करना, बहुत विलंब हो गया। वहां प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो मैं तो ये कहता हूं कि आप अभी भी क्यों आए, आप तो अभी भी मत आते। क्यों बेटा, हिरण्यकश्यप तुझे मार देता। बोले नहीं प्रभु, आज इतने दंड, इतनी यातनाएं मुझे हिरण्यकश्यप ने दी, उन यात्राओं से, उन दंडों से जब आपके नाम के आश्रय से मैं बच गया, तो अब भी आपका नाम, आज भी आपका नाम ही मेरी रक्षा करता, आपको प्रकट होने की आवश्यकता नहीं थी। कैसी नाम के प्रति निष्ठा हिरण्यकश्यप। नरसिंह भगवान के नेत्रों से प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो बड़े बड़े देवी देवता आपके इस स्वरूप को देखकर डर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके इस स्वरूप को देखकर बिल्कुल भय नहीं हो रहा है। मुझे भय है तो इस संसार रूपी चक्की में पिसने से भय है, ये संसार रूपी चक्की, ये संसार रूपी भवसागर में डूबने का मुझे भय है। कबीरदास जी ने कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कैसा भवसागर है, उसके नीचे जो आ जाए वो बच नहीं सकता। लेकिन उनके ही पुत्र श्री कमाल जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो कमाल जी हंसने लगे। तब कबीरदास जी ने पूछा, भैया क्यों हंस रहे हो, तो संसार रूपी चक्र को देखकर, इसकी भयानकता को देखकर हमें तो रोना आ रहा है, लेकिन तुम हंसते हो। बोले हाँ, बोले चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे वो कैसे पिस जाए। जो कील का आश्रय, जब चक्की को जिससे चलाया जाता है, जो हत्ता होता है उसकी एक कील होती है, तो कील के सहारे जो भी नाज, जो भी बीज चला जाता है, वो कितनी भी जोर से चाकी चले वो बीज नहीं पिस सकता है। तो ये कौन है, कृष्ण शरण में, जो भक्त शरण में जो चला जाएगा, भले ये संसार रूपी चक्की कितने तीव्रता से भागे, लेकिन उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए प्रभु मुझे ये संसार रूपी चक्की देख के डर लग रहा है, लेकिन प्रभु मैं आपको तो एक बार छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके भक्तों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जिनके सहारे मैं इस संसार रूपी चक्की से पिसने से बचा हूँ। कौन है वो भक्त? बोले कृत्वात्मसात सुरक्षण नारद जी महाराज। एक बार मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन भक्तों को नहीं छोड़ सकता। नारद जी ने मुझे इस भवसागर रूपी कुएं से हाथ पकड़ के निकाल दिया है, ऐसी भक्ति की शिक्षा दी है। मैं उनकी कृपा कभी नहीं भूल सकता। आप कृपा करें, इस जीव का उद्धार करें, कल्याण करें। प्रहलाद जी से श्री प्रभु ने कहा है कि अरे प्रहलाद, तुम अपने कल्याण की चिंता करो, तुम्हें दुनिया से क्या मतलब। अरे किसी को अपना कल्याण करना होगा तो मैंने इतने सारे साधन बनाए हैं, यज्ञ तपस्या दान ध्यान आदि, जितने भी स्वाध्याय जप तप तीर्थ स्नान करना, इनसे जीव अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये सबके बस की बात नहीं है, इन साधनों के द्वारा जीव आपको प्राप्त नहीं कर सकता है। मुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है, मैंने तो ऐसे भक्तों का आश्रय लेके अपना कल्याण कर लिया और कब लूंगा, लेकिन मुझे ऐसे जीवों की चिंता हो रही है। भैया भक्तों के अंदर कैसी चिंता, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें क्या सबका ठेका ले रखा है, तुम सबके कल्याण की क्यों सोचते हो, तुम अपने कल्याण की सोच लो। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु सच्चा भक्त वही है जो जीव कल्याण की इच्छा मन में रखे। जिसके मन में जीव कल्याण की इच्छा रहती है वो सच्चा भक्त है। अपना अपना कल्याण तो सब अपना कल्याण कोई भजन करके कर लेगा, तपस्या करके कर लेगा, लेकिन भक्त वही है जो सब जीवों के कल्याण की सोचता है। प्रहलाद जी के अंदर ऐसी करुणा, ऐसी दया। नृसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर। नृसिंह भगवान ने कहा, अच्छा प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो मैं इस संसार रूपी चक्की में पिसने से आपकी शरण में आया हूँ इस भय से, और
कहते हैं कुछ मांग लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप प्रभु देते ही हैं तो मुझे यह दे दो कि ये जो कामना वासना की पिटारी जो अंदर एक के बाद एक कामना आती है, प्रभु अब ये दे दो। जब वो प्रभु ने पूरा कर दिया, वो दे दिया, तो फिर दूसरी इच्छा आ जाती है। ये कामना वासना की पिटारी ही सदा सदा के लिए बंद हो जाए। प्रहलाद जी महाराज की बात सुनकर नृसिंह भगवान हंस गए। देखो कैसे चतुर भक्त हैं, मांग भी लिया और सदा सदा के लिए मांगने का रास्ता ही बंद कर दिया। कि जब कामना ही नहीं होगी, मन में कामना ही खत्म हो जाएगी, तो क्या मांगोगे प्रभु से। तो इसलिए प्रहलाद जी की बात सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और आगे श्री प्रहलाद जी महाराज को, प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु से एक जिज्ञासा की है, प्रभु आप मेरे ऊपर एक कृपा करें, मेरे पिता ने आपसे भ्रातृ हत्यारा समझ के कि आपने उनके भाई की हत्या की है, इसलिए मेरे पिता आपसे द्वेष करते थे, आप उनका कल्याण कर दें। तब वहाँ श्री नृसिंह भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि बेटा त्रिसत्यवी पिता पुत पितृवी सहते नव। बेटा तुम्हारे पिता नहीं, जिस दिन तुमने इस वंश में इस कुल में जन्म लिया, तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे 21 पीढ़ियां उसी समय कर गई, तुम्हारे पिता की तो क्या बात। यत्र साधु से रहे जा तो भगवान नहीं पुर पावन, तुम्हारे जैसे भक्त का जिसमें जन्म हुआ है, इसे घर में अवतार हुआ है, 21 पीढ़ियां कर गई, तुम अपने पिता की चिंता मत करो। श्री ठाकुर जी प्रहलाद जी की स्तुति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आगे प्रहलाद जी से श्री प्रभु ने कहा है, प्रहलाद तुम मेरी आज्ञा से, हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारी राज्य करने की शासन करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी आज्ञा से तुम एक मनवंतर तक राज्य करो। श्री प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु की इच्छा से एक मनवंतर तक राज्य किया है। प्रहलाद जी ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की है और एक मनवंतर तक राज्य शासन किया है। एक मनवंतर तक राज्य शासन करके आगे श्री प्रहलाद जी महाराज भगवत धाम को गए हैं। और संक्षेप में श्री नारद जी ने आगे युधिष्ठिर जी को प्रहलाद चरित्र सुनाया है और सनातन धर्म के बारे में सूक्ष्म रूप में बताया है। आगे आठवां स्कंद जो है, यह स्कंद भागवत जी में मनवंतर स्कंद के नाम से जाना जाता है। मनवंतर, इसमें 14 मनवंतरों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। मनवंतर एक समय को कहते हैं, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन जब होता है तो उसमें 14 मनवंतर बीत जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ तो 14 मनवंतर बीत जाते हैं। और एक मनवंतर में लिखा है भागवत जी में कि एक दिन ब्रह्मा जी का 4,29,40,80,000 वर्ष का होता है, यानी 4.5 अरब वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसमें 14 मनवंतर होते हैं। और एक दिन में ही 1,000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये बीत जाते हैं। ये चतुर्युगी 1,000 बार बीत जाती है। तो हर मनवंतर में भगवान अलग अलग रूप से अवतार लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो भगवान के विभिन्न अवतार लेने के कारण श्री सुखदेव जी ने बताए हैं कि प्रथम मनवंतर जो है ये स्वयंभू मनवंतर है, दूसरा मनवंतर स्वारुचिष मनवंतर जिसमें भगवान ने विभू रूप से अवतार लिया है, तीसरा मनवंतर है उत्तम मनवंतर जिसमें भगवान सत्यसेन रूप से अवतार लेते हैं, चौथा मनवंतर है तामस मनवंतर जिसमें श्री ठाकुर जी हरि रूप से अवतार लेते हैं। और हरि अवतार क्यों लिया प्रभु ने, एक गज की, एक हाथी की रक्षा के लिए श्री प्रभु ने हरि अवतार लिया है चौथे मनवंतर में। परीक्षित जी ने जिज्ञासा की है, प्रभु भगवान बड़े बड़े योगियों के बुलाने से नहीं आते, मनुष्य जन्म मिलने पर भी लोगों को भगवान की याद नहीं आती, लेकिन ये हाथी जड़ियों में जाने के बाद इसको भगवान की स्मृति हुई और भगवान की स्मृति होने पर भगवान स्वयं रक्षा करने आए। इसका मतलब कोई बहुत दिव्य जन्म कर्म रहा होगा इसका पूर्व जन्म। तो देखो भक्ति ऐसी वस्तु है कि जो हाथी था, गजराज था, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का बहुत भक्त राजा था। ये एक दिन भगवान का भजन करने के लिए इंद्रद्युम्न राजा पर्वत पर गए, वहाँ अगस्त मुनि आए। तो अगस्त मुनि को
राजा युद्धुम्न ने प्रणाम नहीं किया, अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि जा तू एक हाथी जैसा आचरण कर रहा है, जा तू हाथी योनि में चला जा। तो इनकी पूर्व जन्म की जो भक्ति थी, भजन तो किया ही था, लेकिन श्राप से ये गजराज बन गए, हाथी बन गए, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति ने भैया ऐसा असर दिखाया, क्योंकि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, अविनाशी होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। वो इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में तो आपको असर दिखाएगी। अब देखो, गजराज हाथी बन गया, हाथी बनने के बाद जब उसके ऊपर कष्ट आया तो उसको भगवत स्मृति आई और उस भजन का ऐसा प्रभाव कि गजराज योनि में भी उसको प्रभु दर्शन हुए, प्रभु से उद्धार हुआ है। तो इसलिए जीवन में नियमित रूप से कुछ ना कुछ अवश्य भजन करना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में भक्ति अवश्य लाभ दिखाती है। अवश्य भजन करें, क्योंकि महात्मा ने कहा है कि भजन करे पाताल में प्रकट होत आकाश, दावा दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बात। कस्तूरी को आप कितना भी दबा के रख लो, कितना भी अंदर रख लो, लेकिन उसकी सुगंध फिर भी बढ़ेगी, वो दबती नहीं है। ऐसे ही भक्ति, आप किसी योनि में चले जाओ, किसी जन्म में चले जाओ, लेकिन वो भक्ति कहीं ना कहीं असर अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी, कभी ना कभी वो भगवत प्राप्ति कराएगी कराएगी। गजराज को जब ग्राह ने पकड़ लिया है, उसके चरण को भगवत स्मृति हुई है, स्वयं साक्षात उसकी स्तुति पर, ग्राह गज की स्तुति पर साक्षात श्री भगवान आए हैं हरि रूप से और गज को ग्राह के चरणों से मुक्त किया है, ग्राह का उद्धार श्री प्रभु ने किया है और गज का भी उद्धार हुआ है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि भगवान आए तो थे गजराज के बुलाने पर, लेकिन ग्राह का पहले क्यों उद्धार हुआ, मगरमच्छ का क्यों उद्धार हुआ? लेकिन ग्राह हत्यो राख्यो गजई भयो अभिराम, भक्त चरण बिनु भक्त रही प्रथम गया गया ग्राह धाम। क्योंकि ग्राह ने, मगरमच्छ ने भक्त गजराज के चरणों का आश्रय लिया, भक्त चरणों का आश्रय लेने से उसको गजराज से भी पहले भगवत प्राप्ति हुई। भगवान आए, ग्राह का पहले उद्धार किया है, इसलिए भक्त चरण रज की ऐसी महिमा है कि ग्राहक का पहले उद्धार हुआ है। आगे पांचवें मनु दैवत हुए हैं, इस मनवंतर में वैकुंठावतार हुआ है और छठवां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर हुआ जिसमें समुद्र मंथन की लीला हुई है। समुद्र मंथन जिस समय देवता असुरों से विजय प्राप्त करके आ रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि भगवत दर्शन करके वैकुंठ से आ रहे थे। दुर्वासा मुनि ने देखा देवता विजय प्राप्त करके आए हैं, बड़ा शुभ मंगल का समय है, हर्ष का समय है, तो देवराज इंद्र को कुछ उपहार में हमें भेंट करना चाहिए। दुर्वासा मुनि भगवत दर्शन करके आए थे, उन्होंने सोचा इससे बड़ा उपहार क्या होगा। दुर्वासा मुनि के गले में भगवान की प्रसादी माला थी, जब वो दर्शन करने गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला उनको दे दी। तो इंद्र के सम्मान के लिए दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र के गले में वह माला पहना दी। इंद्र उस समय श्री के मद में इतने अंधे हो रहे थे, उन्होंने सोचा अरे देवराज इंद्र को पहनी पहना ही माला पहना दी। उन्होंने अपना अपमान समझते हुए देवराज इंद्र ने वह माला ऐरावत हाथी को पहना दी, अपने वाहन को। ऐरावत हाथी ने पशु बुद्धि, ऐरावत हाथी ने वो माला पैरों से कुचल के और कुचल के फेंक दी। दुर्वासा मुनि ने देखा प्रभु प्रसाद का इस प्रकार अपराध, उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया देवराज इंद्र को, अरे तुम जिस श्री के मद में अंधे हो रहे हो उस श्री से तुम हीन हो जाओ। सब देवतागण श्री से हीन हो गए हैं। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए हैं भगवान के पास, भगवान ने कहा फिर से इनको श्री और अपना सब धन संपत्ति चाहिए, तो जाओ देवताओं को आज्ञा दो कि वो असुरों से संधि करके, असुरों से मित्रता करके समुद्र मंथन करें, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत पीने से सब देवता फिर से उनको अपनी श्री और सब राज्य वैभव मिल जाएगा। देवताओं ने असुरों से संधि की है और मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में ग्रहण किया है और वासुकी नाग को नेति के रूप में प्रभु आज्ञा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है।
समुद्र मंथन के आरंभ में सबसे पहले जल का जो विष था, जल का जो पाप था, वो विष के रूप में प्रकट हुआ। उस विष की प्रचंड अग्नि सब देवताओं को, सब असुरों को जलाने लगी। सब सोचने लगे, भैया इस विष के प्रभाव से यदि हम लोग जल गए तो कैसे समुद्र मंथन होगा। सब भगवान भोलेनाथ की शरण में गए हैं, प्रभु से प्रार्थना की है, और भगवान शंकर ने भगवत ध्यान करके, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए उस जहर को पी लिया है, विष को पी लिया है। और भगवान का ध्यान करने से वह विष भगवान शंकर का कुछ बिगाड़ा नहीं उसने, बल्कि वह नील ठाकुर श्री भोलेनाथ के गले में, गौरवर्ण है भगवान का, तो गले में जाकर वो नीले नीले आभूषण के रूप में सुसज्जित हुआ है। और भगवान शिव का कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह आभूषण के रूप में भगवान शंकर के गले में विराजमान हुआ है। और तब से भगवान का एक नया नाम हुआ, पुर नीलकंठ महादेव की। विष को पिला दिया है भगवान शंकर को, फिर से समुद्र मंथन सबने आरंभ किया है। समुद्र मंथन जब आरंभ हुआ तो सबसे पहले विष के बाद काम धेनु गैया प्रकट हुई है। उसको यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए सब किसी को नहीं दिया गया, काम धेनु गाय को ऋषियों को दिया गया, क्योंकि ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और यज्ञ के लिए गौ का होना बहुत आवश्यक है। यज्ञ में पंचगव्य का उपयोग होता है, घृत का उपयोग होता है, तो इसलिए ऋषियों को यज्ञ के लिए कामधेनु गाय को दिया गया। और कामधेनु गाय जो है गौ रत्न, गौ वंश सबसे पहले प्रकट हुआ है, क्योंकि भैया गौ वंश के द्वारा ही सब धर्म कर्म होते हैं। और ऐसा लिखा है, यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभव। यदि गाय नहीं होगी तो ऋषि कैसे यज्ञ करेंगे। और वैदिक अनुष्ठान के बिना, कोई भी वैदिक अनुष्ठान बिना गाय के पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि गाय का बहुत महत्वपूर्ण अंग है यज्ञ में। यज्ञ में पंचगव्य कहाँ से आए, तो बिना गाय के यज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल यज्ञ होते तो हैं, लेकिन उसमें गौ घृत यदि नहीं होगा, पंचगव्य यदि शुद्ध नहीं होगा, तो वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि भैया आजकल गायों की बड़ी पूरे विश्व भर में हत्या हो रही है, इसलिए आजकल कहाँ गाय है, कहाँ घी है, कहाँ कोई वैदिक अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। इसलिए जो यज्ञ होना चाहिए, मर्यादित यज्ञ, वो आजकल हो ही नहीं रहा है। क्योंकि ऋषि मुनि पहले यज्ञ करते थे, तो यज्ञ से बादल बनते थे, बादल से वर्षा होती थी, वर्षा से फिर फसल होती थी। लेकिन सुनने में तो आता है कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन वो जब घी ही शुद्ध नहीं होगा, सामग्री ही शुद्ध नहीं होगी, तो कैसे वो वैदिक अनुष्ठान संपूर्ण हो सकते हैं, कैसे उससे बादल बनेंगे, कैसे वर्षा होगी। इसीलिए तो जहाँ भाई देखने में आता है वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ने लगा है, अन्न की कमी होने लगी है, उसका केवल मूल कारण यही है कि गौ वंश की हत्या पूरे विश्व भर में हो रही है। इसलिए भैया बड़ा चिंता का विषय है, सबको चिंता करनी चाहिए गौ वंश के बारे में। गौ वंश की रक्षा अवश्य करें, जिसको प्रभु ने जैसी सामर्थ्य दी है, मन से, तन से, धन से, जैसी भी जिसके पास सामर्थ्य है, सब लोग गौ वंश की रक्षा के लिए चिंतित हों, सजग हों, जागृत हों। क्योंकि गौ वंश के लिए लिखा है कि गो भी विप्रेष्य वेदेश्य सती भी सत्यवादी भी। इस पृथ्वी को टिकाने के सात खंभे हैं, पृथ्वी जिनके ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहला खंभा है गो भी, गाय, गौ वंश, विप्रेष्य ब्राह्मण, वेदेश्य वेद, सती भी सत्यवादी भी, सती स्त्रियां और सत्यवादी पुरुष। इसलिए सबसे पहला स्तंभ है गौ वंश। जब वो पहला ही स्तंभ नहीं रहेगा, उसका ही इतनी जल्दी नाश होता जा रहा है, तभी तो कोई धर्म कर्म ना सही अंश में होते, ना उनका सही अंश में लाभ दिखाई देता है, और तभी तो इतनी जल्दी पाप की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए भैया गौ वंश के लिए जहाँ पे भी आपको लगता है सेवा होती है, जिसको जैसी सामर्थ प्रभु ने दी है, वह उसी प्रकार अपनी सेवा प्रदान करें। मानसिक रूप से प्रतिदिन
गोवंश की रक्षा के लिए सब लोग प्रार्थना किया करें, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। अब ये प्रसंग चला है तो आप लोगों को बता दें, आप लोग कुछ नए आए हैं, प्रथम दिन में हमने ये जिज्ञासा यह बात की थी कि हम लोग जहाँ से आए हैं, श्रीमान मंदिर सेवा संस्थान ब्रज से, ब्रज वृंदावन के पास यह बरसाना है, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव विराजते हैं, उनके संरक्षण में एक माता जी गौशाला चल रही है। और ऐसी विशाल गौशाला है कि अभी 7 वर्ष पहले ही वो खुली है, लेकिन देखते ही देखते उसमें इस समय 45,000 गौवंश पल रहा है। 45,000 गौवंश की मातृवत सेवा होती है, मातृवत। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये कि वो कोई व्यवसाय के लिए उस गौशाला को नहीं खोला है, केवल सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि उसके द्वारा कोई दूध बेच के या उसको कोई डेयरी बना दिया गया, नहीं, केवल सेवा। क्योंकि इतना संख्या में गौवंश का वध हो रहा है, और वो सब वो गाय हैं जिनको स्लॉटर होने जो जाती हैं, जिनको कसाईयों से लेके लाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। ऐसी ऐसी गैयाओं की स्थिति होती है, उनको जब ट्रक से निकाला जाता है तो कुछ तो वहीं मर जाती है। ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है गौवंश की। यदि भैया इसी प्रकार गौवंश का ह्रास होता रहा तो बहुत जल्दी कलयुग बढ़ेगा, बहुत जल्दी अधर्म आ जाएगा, बहुत जल्दी ऐसे ऐसे कष्ट आने वाले हैं जिनका कोई निवारण नहीं हो सकता। तो इसलिए गौवंश के लिए सब सजग हो। और उस गौशाला में प्रतिदिन का खर्चा 20,00,000 रुपए है, लेकिन किसी से, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, किसी से ना मांगा जाता है ना जांचा जाता है, किसी से ना चंदा किया जाता है, सब ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। वह एक चमत्कार, प्रत्यक्ष चमत्कार है। यदि आप लोग देखना हो तो कभी आके देखें, आप बरसाना में आके, वृंदावन में आके, ऐसा चमत्कार आज भी है। और उसी गौवंश के प्रभाव से बड़े बड़े काम वहाँ उस संस्था से किए जा रहे हैं। क्योंकि भैया ये खंभे हैं पृथ्वी को धारण करने के, धर्म के खंभे हैं। तो इसलिए जिसको जैसी सामर्थ्य प्रभु ने प्रदान की है वो सेवा करे, क्योंकि गौवंश के दोषी, वध के दोषी हम सब हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है या कोई कसाई नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ही गौवंश को इतना उपेक्षित कर दिया है, तभी तो गौवंश का ह्रास हो रहा है, उसको लोग मारते हैं। क्योंकि घर में तो सब रख नहीं सकते, तो जहाँ भी सेवा हो रही है, आप लोग गौवंश की हत्या के दोष से बचें और अपनी सेवा सब लोग प्रदान करें। कम से कम कुछ नहीं तो प्रतिदिन कम से कम ठाकुर जी के आगे बैठकर, प्रभु के आगे बैठकर ये तो प्रार्थना कर ही लिया करें कि प्रभु गौवंश की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। गौवंश की रक्षा, गौ माता की सेवा से बड़ी भगवान की भी सेवा नहीं हो सकती। गोविंद ही भगवान का जो नाम है, वो गौवंश की सेवा करने से ही भगवान का नाम गोविंद गोपाल पड़ा है। गौ सेवा में ऐसी शक्ति है कि गौ सेवा के प्रभाव से जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, ऐसी इसमें शक्ति है। एक वार्ता जी में कथा आती है कि एक भक्त ने, अनपढ़ भक्त ने गौ भक्ति के प्रभाव से भगवत प्राप्ति की, साक्षात भगवत दर्शन किया। इसलिए भैया गौ सेवा के लिए सब लोग सजग हों और इसके लिए विचार करें, जिसको प्रभु ने जैसी शक्ति प्रदान की है गौवंश की सेवा करें। तो सबसे पहला गौवंश रत्न है, 14 रत्न प्रकट हुए हैं समुद्र मंथन से, उसमें से विश्व का सबसे पहला रत्न गौवंश ही है। कामधेनु गाय प्रकट हुई है, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ है जिसको देवराज इंद्र को दिया गया, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई है, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ है जो स्वर्ग में गया है, लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी का ऐसा स्वरूप है, उस स्वरूप को देखते ही सबके सब देवता दैत्य मोहित हो गए, सब सोचने लगे कि ये हमें प्राप्त हो जाए, ये हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन लक्ष्मी जी का यही स्वभाव है कि जो चाहता है उसको, वो उसके पास नहीं जाती है। भगवान के पास सब देवताओं को, दैत्यों को देखते हुए, अपने योग्य वर ढूंढते हुए श्री लक्ष्मी जी भगवान के गले में, उन्होंने माला को पहनाया है भगवान नारायण के गले में, और उनके वाम भाग में जाके विराजमान हो गई हैं। जगत जननी को भगवान ने अपने हृदय में स्थान दिया है। और लक्ष्मी नारायण भगवान की, उसके बाद स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। अमृत कलश को देखकर दैत्यों ने अमृत के कलश को भगवान धन्वंतरी के हाथ से छुड़ा लिया है। इधर सब देवता बड़े दुखी हुए कि अब तो हम
अमृत पी नहीं पाएंगे, दैत्यों ने छुड़ा लिया, यही पी जाएंगे। प्रभु ने सांत्वना दी है सब दैत्यों को, देवताओं को, तुम चिंता मत करो। उसी समय श्री प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया है। मोहिनी रूप को देखकर दैत्यगण ऐसे मोहित हुए हैं कि सारा का सारा अमृत कलश उन्होंने मोहिनी को पकड़ा दिया, और मोहिनी ने जो साक्षात भगवान है उन्होंने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया है। इधर जब दैत्यों को पता पड़ा कि ये मोहिनी और कोई नहीं है तो साक्षात विष्णु भगवान नारायण, इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, और वहां से भगवान अमृत पिला के अंतर्धान हो गए। अब दैत्यों ने देवताओं के ऊपर हमला किया। अब देवता अमृत पी के इतने शक्तिशाली हो गए कि दैत्यों के जो राजा थे उन्होंने राजा बलि का संहार कर दिया है युद्ध में। राजा बलि जब उनका संहार हुआ है तो नारद जी ने आके देवताओं और दैत्यों का युद्ध रुकवाया है, क्योंकि देवता भी भगवान की संतान है, दैत्य भी, तो इसलिए कहीं नाश ना कर गए, क्योंकि उनके अंदर तो बहुत बल आ गया था देवताओं के अंदर। तो नारद जी ने रोका है, और गुरु भक्ति के प्रभाव से नारद जी ने बताया है कि शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या आती है, सबके सब दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य जी की शरण में गए हैं। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों के राजा बलि को जीवित किया है। राजा बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया है श्री भगवान को, श्री शुक्राचार्य जी महाराज को, और फिर से जीवित होने के बाद देवताओं से दैत्यों ने युद्ध किया है। इस बार गुरु भक्ति के प्रभाव से दैत्य जो है इन्होंने देवराज इंद्र और देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और सब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है। इधर माता अदिति जो देवताओं की माँ है उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे बालकों को स्वर्ग से भगा दिया और न जाने कहाँ भटके फिर रहे होंगे। तब माता अदिति ने कश्यप जी की शरण में गई है, और कश्यप जी ने कहा देवी तुम पयोव्रत करो, इस पयोव्रत के करने से भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से अवतार लेंगे और देवताओं को फिर से तुम्हारा ये स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। मैया अदिति ने 12 दिन तक दूध पीकर यह पयोव्रत किया जाता है। 12 दिन तक दूध पीकर मैया अदिति ने पयोव्रत किया है, और पयोव्रत के प्रभाव से स्वयं साक्षात भगवान अभिजित मुहूर्त आया, जिसे हम लोग विजय द्वादशी कहते हैं, और उस दिन भगवान ने मैया अदिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वामन भगवान के रूप में अवतार लिया है। पुरुष वामन भगवान की। अदिति मैया के गर्भ से प्रभु ने जन्म लिया, प्रभु ने ब्रह्मचारी रूप बदला, जात कर्म संस्कार आदि किए हैं, और उसके बाद देवताओं की मैया अदिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्री प्रभु राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं। राजा बलि ने वहां प्रभु का वह दिव्य तेजमय स्वरूप देखकर कहा हे ब्राह्मण देव आप मेरे से क्या चाहते हैं, जितना आपको धन संपत्ति वैभव जितना गांव चाहिए जो भी आपको चाहिए आप मांग लो। लेकिन वहां भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण का हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का असली धन होता है संतोष, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर संतोष है। तब वहां राजा बलि ने बड़ा आग्रह किया नहीं प्रभु आप कुछ तो मांग लें, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। इतना आग्रह करने पर राजा बलि के श्री प्रभु ने कहा अच्छा आप देना ही चाहते तो हमें 3 पग भूमि प्रदान करें। तब राजा बलि ने कहा रे ब्राह्मण 3 पग भूमि में आपका क्या होगा, 3 पग भूमि में तो आपकी कुटिया भी नहीं बनेगी, आप कैसे रह पाए, उसमें रह भी नहीं सकते, इतनी सी भूमि का क्या करेंगे। अरे हम कहते हैं आपसे गांव के गांव ले लें। वहां प्रभु ने कहा देखो राजा बलि हमने आपसे कहा ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन होता है संतोष, हमें इतने में ही संतोष है, आप हमें इतना ही प्रदान करें। राजा बलि ने संकल्प पात्र उठा लिया देने के लिए, संकल्प करने के लिए। उसी समय शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं उन्होंने कहा अरे बलि तुझे नहीं पता ये कौन है, ये कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, अरे ये तो अदिति के गर्भ से साक्षात विष्णु आया है और देवताओं का काम बनाने आया है, ये तेरे से सब कुछ छीन लेगा और तेरे पास कुछ रहने खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, इसको दान मत दे, संकल्प मत कर। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात भी नहीं मानी, और राजा बलि ने कहा कि यदि ये स्वयं भगवान है तो भगवान का ही सब कुछ है, ये तो मेरे से बिना दिए भी छीन सकते हैं,
और भैया भगवान किसके यहाँ जाते हैं गुरुदेव? यदि ये साक्षात भगवान है तो ऐसा सतपात्र मुझे कौन मिलेगा? भगवान मेरे द्वारे पे आए हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी संकल्प पात्र उठा लिया। शुक्राचार्य जी ने देखा मेरी बात का उल्लंघन कर रहा है। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, जा तू श्री से ही न हो जा, नरक में चला जा। लेकिन राजा बलि ने शाप स्वीकार कर लिया, लेकिन दान देने से पीछे नहीं हटे। जैसे ही संकल्प पात्र उठाया है, और इधर प्रभु ने राजा बलि के और सब दैत्यों के देखते देखते इतना बड़ा रूप बनाया, विश्व रूप प्रभु ने बनाया है, इतना विशाल रूप धारण किया कि एक पग से पृथ्वी पूरी पृथ्वी को माप लिया है, दूसरे पग से स्वर्ग को माप लिया है, और शरीर से आकाश को और भुजाओं से दिशाओं को माप लिया है। अब राजा बलि के पास जब इधर कुछ नहीं बचा, तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूँ? तो भगवान ने कहा तुम्हारा वरदान झूठा गया, तुम्हारा संकल्प झूठा गया। उसी समय राजा बलि को वरुण पाश से श्री प्रभु ने बांध दिया है। लेकिन उस स्थिति में भी राजा बलि विचलित नहीं हुए। तब वहाँ ब्रह्मा जी ने स्तुति की है प्रभु की, प्रभु यद पालयो अशधि सलिलम प्रदाय दूरांकुरै विदाय सतीम सपर्यां। प्रभु आपका तो यह स्वभाव है कि आपको भाव से कोई एक लोटा जल भी दे दे, एक पत्ता भी चढ़ा दे, एक फूल भी चढ़ा दे, आप उसको ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और राजा बलि ने तो अपना सब कुछ दे दिया आपको, बल्कि उसको आपने वरुण पाश में लोटा बांध दिया, उसको दंड दिया, ये कैसी कृपा है? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, बड़ी सुंदर बात कही ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप ही मेरी कृपा को आज तक नहीं समझ पाए तो कौन समझ पाएगा। मेरी सबसे बड़ी कृपा यही है कि जो धन, जिस धन को पाकर जीव मदोन्मत्त हो जाता है, अंधा हो जाता है, जिस धन के मद में आकर जीव गुरु गोविंद को भूल जाता है, उस धन को मैं हरण कर लेता हूँ, उस धन को मैं छीन लेता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी कृपा है। यदि हम लोग भगवान की कृपा को भी, सच्ची कृपा को यदि पहचान जाए, सच्ची कृपा के स्वरूप को यदि पहचान जाए, तो हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि कभी भगवान से कृपा भी नहीं मांगेंगे। भगवान की सबसे बड़ी ये कृपा है। भगवान कहते हैं सुनो मैं कैसे कृपा करता हूँ, जब जीव का धन समाप्त कर देता हूँ, जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, तो जीव उद्यम करता है, कोई ना कोई धंधा शुरू करता है, तो मैं उसका धंधा भी चौपट कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अरे प्रभु ये कैसे कृपा? अरे ब्रह्मा जी सुनो मेरी कृपा कौन सी है? बोले जब धन समाप्त हो जाता है तो उसको परिवारी जन भी उसको छोड़ देते हैं। भैया कौन धनी, इनका कोई नहीं रखना चाहता, जब तक धन है सब तब तक उसके पीछे है, जब धनवान नहीं है, कोई स्वार्थ किसी को नहीं निकलता, तो सब छोड़ देते हैं धनहीन को। तो भगवान कह रहे हैं जब मैं सब धनवान नष्ट कर देता हूँ तो उसके परिवारी जन भी उसको सब छोड़ देते हैं। सब बंधन भैया धन के हैं, सब प्रेमी धन के हैं, कोई किसी आदमी से प्रेम नहीं करता। और भगवान कह रहे हैं पिताजी मरणासन्न शैया पर पड़े हैं, कैसी स्थिति होती है? धन के सब प्रेमी है, कोई पिता से, माता से, भैया से, बंधु से प्रेम नहीं करता। पिताजी कहो तो मरणासन्न शैया पर पड़े हैं, और उस समय बालक, उनकी ऐसी स्थिति हो रही है, उनको इतना कष्ट हो रहा है, बालक ले आते हैं पिताजी यहाँ भी साइन कर दो, पिताजी मरते मरते यहाँ भी साइन कर दो, यहाँ ये भी प्रॉपर्टी हमें दे दो। तो भैया कोई किसी का नहीं है, धन के सब है, मरते मरते भी उसका उसको चैन नहीं है, पिता से प्रेम नहीं पैसे से प्रेम है, तो परिवार भी जन जब उसको छोड़ देते हैं, तो प्रभु ये कौन सी कृपा है? जब सब कुछ छूट जाएगा, सब आशा नष्ट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जीव जब उसको कोई नहीं दिखाई पड़ता, ना धन रहा ना परिवार के लोग रहे, तब वो मेरा स्मरण करता है। और जब वो मेरा स्मरण करता है, जब मेरी स्मृति रहती है, तब मैं उसको दर्शन देता हूँ, ये मेरी वास्तविक कृपा है कि मैं उसका सब कुछ धन हरण कर देता हूँ। तद विषो विदनों में हम, मैंने राजा बलि पर सच्ची कृपा की है, यन मदः पुरुषस्तद्धो लोकम माम चाव मन्यते, जिससे इसका मद हट जाए, अभिमान हट जाए। इतनी बड़ी कृपा श्री प्रभु ने की है राजा बलि के ऊपर, सब कुछ नष्ट किया है। अब ब्रह्मा जी को समझ में आया, नहीं प्रभु आपने ये राजा बलि के ऊपर कृपा की है, और यही नहीं राजा बलि को 12 आचार्यों में, 12 धर्म के जो आचार्य हैं उनमें स्थान दिया है,
और राजा बलि को ऐसी कृपा श्री प्रभु ने की है। राजा बलि से कहा, राज बलि हम तुम्हारे इस दैन्य से बड़े प्रसन्न हुए, तुमको वह मैं राज्य देता हूँ जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। सुकल लोक का श्री प्रभु ने राज्य दिया, और यहाँ तक कि सुकल लोक का राज्य ही नहीं, भगवान ने कहा राजा बलि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा और मैं तुम्हारा वहाँ द्वारपाल बनकर चौकीदारी करूँगा। सूरदास प्रभु भक्त वत्सल हरि बलि द्वारे गर्भान भयो, भक्तन हित तुम कहा न कियो। भगवान ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया, द्वारपाल बने राजा बलि को। अगर ऐसा आत्मसमर्पण पर हो जाए तो प्रभु क्या नहीं करें। तब वहाँ राजा बलि ने कहा है, प्रभु दो पग में तो आपने पृथ्वी को और पूरे राज्य को माप लिया, अब तक तो आपने मेरा धन नापा, अब आप ऐसी कृपा करें, धन को तो आपने माप लिया, अब इस धनी को भी आप माप लें, आप तीसरा पग ये मेरे मस्तक के ऊपर रख लें। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए राजा बलि की बात सुनकर, सुतल लोक का राज्य दिया है। वामन अवतार लेकर श्री प्रभु ने माता अदिति का वचन पूर्ण किया, और इसके पश्चात श्री सुखदेव जी ने आगे राजा बलि के संग के बाद नवम स्कंद में प्रवेश किया है। नवम स्कंद जो है यह वंशावली के नाम से जाना जाता है। इसमें दो वंशों का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन कर रहे हैं। सूर्यवंश का विवरण करते हुए परीक्षित जी को कहा, राजर्षि सूर्यवंश भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि जी से कश्यप जी हुए हैं, कश्यप जी से विवस्वान, विवस्वान से श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के 10 पुत्र हुए हैं जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु हैं, और इक्ष्वाकु वंश में ही आगे नभग से नाभाग और नाभाग से श्री अम्बरीश जी महाराज का जन्म हुआ है। और अम्बरीश जी महाराज के लिए महाभागवत शब्द का प्रयोग श्री सुखदेव जी ने किया है। महाभागवत शब्द का प्रयोग श्री सुखदेव जी ने 3 ही जगह किया है, या तो गोपियों के लिए, या श्री प्रहलाद जी के लिए, और एक अम्बरीश जी महाराज के लिए। भागवत नहीं, महाभागवत, बहुत बड़े भक्त हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं श्री अम्बरीश जी। 7 द्वीपों के पूरी पृथ्वी पर इनका अचल सम्राट था, अचल राज्य था, लेकिन फिर भी अम्बरीश जी महाराज स्वप्ने संस्तुत, स्वप्न की तरह पूरी सृष्टि को मिथ्या मानते थे। जैसे स्वप्न झूठा होता है, ऐसे ही अपने राज्य वैभव को सबको ये मिथ्या मानते थे, और ऐसी भक्ति करते थे, सरई मना कृष्ण पगार गयो और वचान सी वैकुंठ गुणान वरण में। कृष्ण प्रेम तो हृदय से किया ही करते थे, कृष्ण चरणों में मन तो रहता ही था, और शरीर से भी प्रभु की भक्ति किया करते थे। ठाकुर जी की सेवा घर में महल में पधराई हुई थी, और अपने हाथों से वचान सी वैकुंठ गुणान वरण और करो हरे मंदिर मार जनादेश, अपने हाथों से ही ठाकुर जी के मंदिर की बुहारी लगाना, ठाकुर जी को जल भर के लेके आना। अब उनके पास जो 7 द्वीपों के राजा हैं, जिनका पूरी अचल सारी पृथ्वी पर जिनका राज्य है, उनके पास कोई सेवकों की कमी रह सकती है? लेकिन भैया, सेवा जितना अपने हाथों से की जाए उतना ही बढ़िया है। तो अम्बरीश जी महाराज सेवा अपने हाथों से किया करते थे। ऋषियों में एक बार विवाद चला कि भाई भगवान का सबसे बड़ा भक्त इस समय पृथ्वी पर कौन है। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी ने कहा, इस समय भगवान का सबसे बड़ा भक्त पृथ्वी पर श्री अम्बरीश जी महाराज हैं। अम्बरीश जी महाराज की बात सुन के, अम्बरीश जी महाराज का नाम सुनते ही दुर्वासा मुनि को भड़क गई। अरे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की सभा में एक गृहस्थी राजा, एक भोगी राजा का नाम लेते हो? मैं कितना बड़ा तपस्वी, मेरे सामने इतने बड़े तपस्वी के सामने, अरे किसी संत का नाम लेते, तपस्वी का नाम लेते, ऋषि का नाम लेते तो बात भी बनती, लेकिन एक भोगी राजा को जिसके हजारों हजारों स्त्रियां होती हैं, कहां से वो भगवान का भक्त हो जाएगा? नारद जी ने कहा, देखिए दुर्वासा मुनि, भगवान के 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो वे भक्त होते हैं जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, तो आप उन भक्तों में से हैं जो भगवान को प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार के वे भक्त होते हैं जिनको भगवान बहुत प्रेम किया करते हैं। तो दुर्वासा जी, अम्बरीश जी उसी कोटि के प्रेमी हैं जिनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं।
अम्बरीश जी महाराज का नाम सुनती दुर्वासा जी ने कहा, जब तक मैं परीक्षा नहीं ले लूंगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। परीक्षा लेने चले अम्बरीश जी की। अम्बरीश जी उस समय मधुवन में थे, ब्रज में थे, एकादशी का व्रत करके द्वादशी का पारायण करने जा रहे थे। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां टपक पड़े। दुर्वासा मुनि को देखते ही अम्बरीश जी ने कहा कि हे मुनि, हे ऋषि, आप आए हैं, कुछ प्रसाद ग्रहण करें। दुर्वासा जी ने कहा, हम अभी नहीं पाएंगे, पहले यमुना जी स्नान करके आके फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब इधर बहुत देर हो गई, दुर्वासा मुनि आए ना, क्योंकि भैया वो तो परीक्षा लेने आए थे। अब इधर पारायण का मुहूर्त निकला जा रहा था, ब्राह्मणों से पूछा है कि अब क्या किया जाए, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, समय भी निकला जा रहा है। ब्राह्मणों ने कहा, आप ऐसा करिए कि भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लें, उससे आपका पारायण भी हो जाएगा और जब ऋषि आएंगे तब आप उनके साथ प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे, आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। जैसे अम्बरीश जी महाराज ने चरणामृत ब्राह्मणों के कहने से लिया है, उसी समय दुर्वासा जी वहां आ गए और बड़े क्रोधित हुए, अरे ऋषि को बिना खिलाए खा रहा है, तुझे होश नहीं है, इसका क्या दंड भोगना पड़ेगा। और दुर्वासा मुनि ने एक जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ के जैसी पृथ्वी पर मारी है, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई। कृत्या राक्षसी जैसी अम्बरीश जी महाराज को खाने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी, उसी समय भगवान के जो आयुध है चक्र, वो प्रकट हुआ, क्योंकि भगवान की शरण, भगवान के भक्तों के रक्षा में भगवान के सब अस्त्र शस्त्र रहते हैं, गदा चक्र जितने भी आयुध हैं सब रक्षा में रहते हैं भक्तों के। तो चक्र प्रकट हुआ, चक्र की अग्नि से कृत्या राक्षसी जलकर भस्म हो गई। अब वो चक्र भागा है दुर्वासा जी के पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे भागते जाए, चक्र पीछे पीछे भागकर जाए। अब ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिया, अरे दुर्वासा मुनि यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो हमारा लोक जल जाएगा। ब्रह्मा जी ने नहीं रक्षा की, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं रक्षा कर सकते, आप हमारे भी कैलाश से जल्दी निकल जाए, नहीं तो कैलाश भी जल के भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप तो उन्हीं की शरण में जाए जिनका ये चक्र है। अब भागते भागते गए हैं श्री दुर्वासा जी भगवान की शरण में। भगवान ने कहा, भैया हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं, अहम भक्त पराधी हूँ, हम तो भक्तों के हाथों में बिक चुके हैं, हमारा मन भक्तों के मन में जाकर मिल गया है, अब भक्त जो सोचेंगे जो करेंगे वो ही होगा, अब हमारा मन, हमारी शक्ति हमारे पास है ही नहीं, तो हम आपकी कैसे रक्षा करें, ये स्वतंत्र व्यक्ति जो। तो ऋषि ने कहा कि भगवान कोई उपाय तो बता दें, आप रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, हमने कहा ना कि भक्तों के हृदय में जाकर हमारा हृदय मिल गया है, तो अब उन्हीं भक्तों की शरण में जाओ, वो जो सोचेंगे वो जो करेंगे वही होगा, हम नहीं कुछ कर सकते, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा मुनि भागते भागते आए, अम्बरीश जी के चरणों में जैसे ही गिरने लगे, उसी समय अम्बरीश जी ने कहा, हे दुर्वासा मुनि आप ये क्या कर रहे हैं, हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाया है दुर्वासा मुनि को श्री अम्बरीश जी ने, और उसके बाद अम्बरीश जी ने प्रार्थना की है चक्र से कि हे भगवान, यदि मैंने श्री प्रभु की कुछ अंश में भक्ति की हो तो आप यहाँ शांत हो जाए। तब वहाँ चक्र अम्बरीश जी के कहने से शांत हुआ है। और ये क्रम देखो कैसे भक्त दयालु होते हैं, एक वर्ष तक भागे हैं दुर्वासा मुनि, कभी ब्रह्मलोक में, कभी शिवलोक में, कभी भगवान के पास, एक वर्ष तक श्री अम्बरीश जी महाराज उसी स्थिति में खड़े खड़े, जो दुर्वासा जी उनको मारना चाहते थे, लेकिन भक्त के अंदर कैसी दया, उन्होंने उनके अनिष्ट की चिंता नहीं की, बल्कि एक वर्ष तक अम्बरीश जी यही प्रार्थना करते रहे, प्रभो दुर्वासा जी महाराज का कल्याण हो, इनका कोई अनिष्ट ना हो, कुछ इनका बुरा ना हो, भली भांति ये वापस लौट के आ जाए, यही प्रार्थना करते रहे। जब इस प्रकार की सुंदर भावना देखी है दुर्वासा मुनि ने, दुर्वासा मुनि देखते ही चकित हो गए हैं और कहा, अहो अनंत दासा नाम महत्तम दृष्ट मध्य में, आज मैंने भक्तों की अलौकिक महिमा को देखा, जिन भक्तों को मैंने मारने की कोशिश की उन्होंने मेरी रक्षा के लिए ही प्रयत्न किया। बड़ा सुंदर श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र के द्वारा भक्त महिमा पर श्री सुखदेव जी ने प्रकाश डाला है। आगे इनके वंश में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, इनकी 18वीं पीढ़ी में मानधाता हुए हैं, मानधाता की 8वीं पीढ़ी में श्री हरिश्चंद्र जी महाराज हुए हैं, और हरिश्चंद्र जी महाराज की पीढ़ी में बाहुक का जन्म हुआ है,
बाहु के पुत्र सगर हुए हैं, इनकी दो रानियां थी सुमति और केशनी। सुमति से 60,000 पुत्र हुए, केशनी से असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ है। असमंजस जी से दिलीप जी के पुत्र भगीरथ जी, और भगीरथ जी का जो जन्म हुआ है, लोक प्रसिद्ध बात है कि यह इतने तपस्वी हुए हैं कि भगीरथ जी के तप के प्रभाव से मैया गंगा अवतरण हुआ है गंगा जी का पृथ्वी पर, और गंगा जी में स्नान करके करोड़ों पापियों का उद्धार हुआ है। और श्री भगीरथ जी महाराज की, श्री गंगा मैया की। आगे इन्हीं के वंश में मूलक हुए, मूलक के दशरथ, दशरथ से एडविट का जन्म हुआ, इनसे विश्वसह का जन्म हुआ, विश्वसह से खटवांग का जन्म हुआ, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, और रघु वंश में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। लेकिन रघु जी इतने गौ भक्त थे, ऐसे भक्त थे, गौ के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि भगवान राम का इसी वंश में जन्म हुआ, लेकिन वंश का नाम राम वंश नहीं पड़ा, रघु वंश ही रहा, ऐसी गौ भक्ति का प्रभाव था। और रघु जी के आज से महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ, और दशरथ जी के 720 रानियां थी, जिनमें कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये तीन प्रमुख रानियां हुई हैं। दशरथ जी को कोई संतान नहीं हुई, अपने गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए हैं कि गुरुदेव क्या संतान उत्पत्ति का, हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो दशरथ, तुम्हारे भाग्य में एक संतान ही चार चार पुत्र रत्न है, लेकिन उसके पहले तुम्हें पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी की आज्ञा से शनि ऋषि के संरक्षण में पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया है। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं भगवान अग्निदेव पायस प्रसाद, खीर प्रसाद लेकर प्रकट हुए हैं। दशरथ जी ने उस प्रसाद में से आधा भाग मैया कौशल्या को दिया है, आधे में से आधा भाग कैकेयी और सुमित्रा जी को दिया है। सुमित्रा जी के हाथ से भाग्यवश प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि उस प्रसाद को गिद्ध पक्षी लेकर उड़ गया है, और संतों का, महात्माओं का ऐसा मत है कि वही प्रसाद मैया अंजनी की गोदी में गिद्ध पक्षी ने डाला है, और उसी प्रसाद के प्रभाव से भक्त प्रवर श्री हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ है। पूरे श्री हनुमान जी महाराज की। सुमित्रा जी बड़ी दुखी हुई कि अब तो मैं पुत्र ही ना ही रह जाऊंगी, मेरे कोई संतान होगी नहीं। लेकिन कौशल्या और मैया कैकेयी ने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग उन्हें दिया है, और मैया सुमित्रा जी ने सोचा कि दोनों ने मुझे प्रसाद दिया है, इस प्रसाद के प्रभाव से यदि मुझे दो पुत्रों की प्राप्ति हुई तो एक पुत्र को मैं कौशल्या पुत्र की सेवा में रखूंगी, और एक पुत्र को मैं कैकेयी पुत्र की सेवा में रखूंगी। आगे चलकर दुआ भी हुई, उस खीर प्रसाद से तीनों रानियों को गर्भ रहा। समय आने पर चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को कौशल्या जी के यहाँ दोपहर के समय भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सुमित्रा जी के लक्ष्मण व शत्रुघ्न तथा कैकेयी के भरत जी का जन्म हुआ है। चारों धियाओं के प्राकट्य से सारी अयोध्या में खुशी की लहर आ गई है। सब अयोध्या वासी दशरथ जी के यहाँ बधाई देने के लिए दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, और सब अयोध्यावासी राजा दशरथ जी को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की, तीनों भैयान की, चारों भैयान की। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, और बधाइयों के साथ बड़े हर्ष का समय है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, तो बधाइयों के द्वारा हम लोग भगवान को बधाई देंगे, और जिसको नृत्य करना है वो नृत्य करें। भगवान का जन्म हुआ है।
जय कौशल्या जी ने लल्ला अयोध्या में हल्ला सो मच गयो रे। Thank you.
Jina kya hari naam nahi to jina kya
सब समान ते प्राणी जिन हरि भक्ति हृदय में आई, वो जिंदा नहीं है, वो चलते फिरते मुर्दा है, जो भगवान का नाम नहीं लेते। वो चल रहे हैं, श्वास चल रही है, पर है मुर्दा। अरे श्वास तो लुहार की ढोकरी में भी चलती है। आपने कभी इंडिया में देखा हो, जो लोग पीटने वाले लुहार होते हैं, वो लोहा जब गर्म करते हैं तो एक उनके पास छोटी सी मशीन होती है, उसमें हवा चलती है, सिर्फ तो होते हैं तो वो मुर्दा, पर हवा तो उसमें भी चलती है। तो ये भगवान के नाम के बिना मुर्दा शरीर, केवल हवा चलने से कुछ नहीं होता। Yeah.
आपका नाम नहीं लेती वो जीव, मेंढक की जीव है। आप लोग को सब रामायण के मर्मज्ञ हो, रामायण तो आपका प्रमुख ग्रंथ है, आप सब लोग रामायण पढ़ते हो। यहाँ गांव गांव में रामायण मंडलियां बनी हुई है, पर पढ़ो तो समझो भी सही रामायण क्या कहते हैं। जिह्वा से भूषण से सब अंग सजाया, रसना से हरि नाम लगाया, देह पड़ी रजाए यही पर, जब शरीर मुर्दा हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तब फिर तुम्हारे कुंडल चैन नगीना वगीना सब लोग उतार लेते हैं, कोई साथ में जाता है, भगवान का नाम साथ जाएगा।